हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हो आप सब? आशा है कि आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई लिखाई को लेकर एकदम व्यस्त होंगे। तो स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल श्री एजुकेटर्स पर। सबसे पहले जो भी नए लर्नर्स एवं अभ्यर्थी चैनल को पहली बार विजिट कर पा रहे हैं या फिर लेक्चर को पहली बार देख पा रहे हैं, उन सभी से एक छोटा निवेदन यह है कि सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो अपने दोस्तों तक ज्यादा से ज्यादा शेयर करें एवं लाइक्स करें और कमेंट करें, ठीक है। आज का जो हमारा क्लास का सेशन होगा वो होगा रिवीजन क्लास। प्रत्येक सप्ताह में संडे के दिन हम एक रिवीजन स्पेशल क्लास लेके आते हैं, जो कि आप पूर्व की क्लास को अच्छे से भली भांति समझ भी चुके होंगे और देख भी चुके होंगे, और आप सबने बहुत सारा प्यार भी उस वीडियो को दिया है। तो उम्मीद करता हूं कि ऐसे ही प्रत्येक वीडियो को प्यार देंगे आप, ठीक है, और अच्छे से आप प्रत्येक लेक्चर को समझ भी पा रहे हैं, ठीक है। तो पिछला जो लेक्चर था हमारा, उसमें हमने रिवीजन किया था भारत के संवैधानिक विकास के अंतर्गत कंपनी का शासन। अब कंपनी का शासन कब से कब तक चला आपको अच्छे से पता है कि भाई सर 1773 से 1858 तक चला। अब इसमें कुछ चरण थे जो कि ब्रिटिश पार्लियामेंट द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी को रेगुलेट एवं अधिनियमित यानी विनियमित कर रहे थे। किस माध्यम से? रेगुलेटिंग एक्ट के माध्यम से। किस माध्यम से? रेगुलेटिंग एक्ट के माध्यम से। फिर संशोधन एक्ट यानी संशोधन अधिनियम यानी सेटलमेंट एक्ट या अमेंडमेंट एक्ट 1781 के माध्यम से। फिर सीडीए एक्ट 1784, 1786 का एक अधिनियम आया। फिर उसके पश्चात फिर आए चार चेतावनी यानी कि वार्निंग दी गई कंपनी को कि भाई अब धीरे 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 अपना काम समेटना स्टार्ट करो, कि भाई पहले 20 वर्ष के लिए एक अधिकार दे दिया गया, फिर उसके बढ़ा दिया गया, फिर उसके पश्चात फिर अब उनका अधिकार बढ़ा दिया गया और एक अधिकार पर कहीं ना कहीं प्रतिबंध लगा दिया गया आंशिक रूप से यानी पार्शियली, है ना, 1813 में। फिर उसके पश्चात 1833 में पूर्णतः समाप्त कर दिया और चार्टर 1853 के दौरान कह दिया कि भाई अब अगले आदेश की प्रतीक्षा करो। ऐसा कुछ हमने पिछले संडे में रिवीजन किया था, तो ये पोर्शन हमारा कंप्लीट हो चुका है। और जो आज नए अभ्यर्थी चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं ना और लेक्चर को पहली बार देख रहे हैं, वो एक काम करना कि पिछले संडे का लेक्चर अच्छे से एक बार निपटा लेना यानी देख लेना, आपको क्लियर हो जाएगा। तो आज हम बात करेंगे अपने इस सप्ताह में क्या क्या कराया गया उसके बारे में। तो भारत के संवैधानिक विकास का जो नेक्स्ट पोर्शन था वो था क्राउन का शासन। अब क्राउन का शासन आपका कब से कब तक चला? 1858 से 1947 तक। कंपनी का शासन 1773 से 1858 तक। उसके पश्चात क्या हुआ? 1858 से 1947 तक आपका क्राउन का शासन चला। कारण कि सर एक बहुत बड़ा विद्रोह उत्पन्न हुआ था भारत के अंदर, जिसे भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन भी बोल देते हैं, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, है ना, या फिर सैनिक विद्रोह भी बोल देते हैं, है ना, राष्ट्रीय क्रांति भी बोल देते हैं 1858 की। तो उसके पश्चात ब्रिटेन वालों को अच्छे से भली भांति समझ में आ गया कि अब भारत के अंदर ईस्ट इंडिया कंपनी को साइड करके खुद शासन संभालना होगा, है ना, और उसके लिए क्या किया भारतीयों के, भारत के अंदर एक भारत सरकार अधिनियम 1858 लेके आए, उसमें कुछ प्रावधान किए गए और भारतीयों को विश्वास दिलाया गया कि जो अभी तक ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा प्रशासन किया जा रहा था उससे बेटर प्रशासन हम चलाएंगे, शासन हम चलाएंगे भारत के अंदर, और डायरेक्ट आपका शासन किसके अंतर्गत चलेगा? ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत। तो पहला एक अधिनियम लेके आए कि सर भारत सरकार अधिनियम 1858, इसमें क्या क्या प्रावधान थे इन्हें देखेंगे हम। सर इनमें क्या क्या प्रावधान थे कि भारत सरकार अधिनियम 1858 के अंतर्गत क्या क्या था कि सर पहला तो इसमें किया गया कि भाई ईआईसी ईस्ट इंडिया कंपनी को समाप्त कर दिया, ठीक है, क्या कर दिया? समाप्त कर दिया, क्लियर। और इसे समाप्त करने के पश्चात कौन आया? अब डायरेक्ट एडमिनिस्ट्रेशन कहां से चलेगा एवं गवर्नेंस कहां से चलेगी? क्राउन के अंडर, क्राउन ऑफ ब्रिटिश, ब्रिटिश की महारानी के अंतर्गत शासन चलाया जाएगा, किसका? भारत का, क्लियर। कि सर क्राउन ऑफ ब्रिटिश के अंदर गवर्न किया जाएगा भारत का शासन, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट कि सर अब क्या हुआ कि भाई अब गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया थे, क्या थे? गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, गवर्नर ऑफ इंडिया,
गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया पोस्ट को समाप्त किया, पोस्ट का खात्मा किया कि भाई अब गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया को समाप्त करके क्या है, वॉइस रॉय ऑफ इंडिया, वॉइस रॉय कहां के, भारत के, वॉइस रॉय भारत के बनाए गए। एक नए पद का सर्जन किया गया कि सर एक नए पद का सर्जन किया गया कि वॉइस रॉय ऑफ इंडिया बनाए गए। अब ये वॉइस रॉय कौन था भाई, वॉइस रॉय ब्रिटिश क्राउन का, ब्रिटिश क्राउन को, ब्रिटिश क्राउन यानी ब्रिटेन के अंदर जो महारानी थी ना, जो ब्रिटेन के अंदर महारानी थी उनको रिप्रेजेंट करने का कार्य वॉइस रॉय कर रहा था, कहां पे, भारत के अंदर। जो ब्रिटिश क्राउन को रिप्रेजेंट, रिप्रेजेंटेशन ऑफ ब्रिटिश क्राउन इन इंडिया, ये सर रिप्रेजेंट कर रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है किसको, ब्रिटिश क्राउन को भारत के अंदर, यानी कि प्रतिनिधि, किसका प्रतिनिधि, किसका, इस महारानी का, ब्रिटेन की महारानी का, ब्रिटेन की, कहां पे, भारत के अंदर, भारत के अंदर महारानी का जो प्रतिनिधि कर रहा है वो कौन कहलाया, भारत के अंदर वॉइस रॉय। और कब इसका सर्जन किया गया यानी कब निर्माण किया गया इस पोस्ट का, इसका निर्माण किया गया कब, 1858 भारत सरकार अधिनियम के अंतर्गत। क्लियर, ठीक है, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट पॉइंट, सर अब एक नए पद का एक और सर्जन कर दिया कि भाई ये तो वायसराय, जो वायसराय ऑफ इंडिया जो थे वो ब्रिटेन की महारानी का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं भारत के अंदर, है ना, साथ ही एक नए पद का सर्जन किया जो कि भारत के विधायी कामकाज संभालेगा। क्या नाम था उसका जो नई पद था, देखो एक तो वायसराय बनाया गया, दूसरा क्या बनाया गया, भारत सचिव, भारत सचिव। अब नए पद का सर्जन किया गया एक अन्य, क्या, भारत सचिव। अब भारत सचिव कौन है, भारत सचिव कौन है, ये भारत सचिव ब्रिटिश पार्लियामेंट के अंदर जो ब्रिटिश कैबिनेट है, ब्रिटिश कैबिनेट यानी ब्रिटिश काउंसिल परिषद, उसका सदस्य होता है, उसका सदस्य होता है, किसका, किसर, ब्रिटिश संसद के अंदर ब्रिटिश कैबिनेट का सदस्य होगा। इंपोर्टेंट है लाइन कि भारत सचिव ब्रिटिश कैबिनेट का सदस्य होगा, ब्रिटिश सदस्य, ब्रिटिश कैबिनेट का सदस्य होगा, और इसकी जवाबदेहिता किसके प्रति होगी, भारत सचिव की जवाबदेहिता, जवाबदेहिता यानी रेस्पॉन्सिबिलिटी, जवाबदेहिता ब्रिटिश संसद के प्रति होगी। किसकी, भारत सचिव की। देखो दो नए पद बनाए गए, क्या, कि वॉइस रॉय और भारत सचिव। अब वॉइस रॉय रिप्रेजेंट कर रहा है क्राउन को भारत के अंदर, है ना, अब भारत सचिव विधायी यानी लॉ बनाने का कार्य संबंधी कार्यभार संभालेंगे, और ये ब्रिटिश कैबिनेट का सदस्य होगा ब्रिटेन के अंदर, और साथ ही जवाबदेहिता इसकी ब्रिटिश संसद के प्रति होगी, यानी जो ब्रिटेन के अंदर पार्लियामेंट है उसके प्रति जवाबदेहिता होगी। क्लियर, एक पॉइंट कि एआईसी को समाप्त किया, दूसरा पॉइंट गवर्नर जनरल का पोस्ट समाप्त करके वॉइस रॉय बनाया, तीसरा कि भाई सर भारत सचिव के पद का सर्जन किया, चौथा पॉइंट कि सर जो भारत सचिव बनाया गया है ना, भारत सचिव के लिए एक 15 सदस्य एक परिषद, भारत परिषद का गठन किया जाएगा, 15 सदमेंबरों की, मेंबर्स की एक काउंसिल यानी कि परिषद का निर्माण किया जाएगा, परिषद का निर्माण किया गया। अब ये परिषद क्या है भाई, परिषद मतलब कि 15 सदस्य होंगे, और ये 15 के 15 सदस्य क्या काम करेंगे, ये काम करेंगे भारत सचिव को सलाह देने का। सर भारत सचिव जो कार्य करेगा उसके लिए 15 सदस्यों की एक टीम का गठन किया जाएगा, और वो 15 सदस्य जो होंगे वो सलाह देंगे
किसको? भारत सचिव को। अब भारत सचिव किसकी सलाह पर काम करेगा? 15 सदस्यों की परिषद की सलाह पर। अब 15 सदस्यों की जो परिषद है इसका हेड कौन होगा? सर इसको चेयरपर्सन जो होगा, यानी कि जो इसका हेड होगा वो होगा भारत सचिव। ठीक है, कौन हेड करेगा इसको? भारत सचिव, यानी कि 15 सदस्यों की जो सलाहकार परिषद है उसका जो अध्यक्ष होगा वो होगा भारत सचिव। क्लियर? उम्मीद है कि इतना आपको ये चार पॉइंट अच्छे से समझ में आए होंगे। भारत सरकार अधिनियम 1858 और भारत को यकीन दिलाया गया कि आपके देश के अंदर, भारत के अंदर एक सुशासन व्यवस्था विकसित करने के लिए अब हमने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को उखाड़ फेंक ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत आपका शासन ला दिया गया है। देखियो वर्डिंग को अच्छे से समझियो, ठीक है? क्लियर ये चार पॉइंट। और ब्रिटिश द्वारा क्या किया गया? ब्रिटिश द्वारा क्या किया गया? अपना जो एडमिनिस्ट्रेशन यानी प्रशासन व्यवस्था थी उसमें चेंज कर दिया, परंतु जो शासन व्यवस्था थी उसमें कोई चेंज नहीं किया। जैसे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी भारत के अंदर शासन चला रही थी, है ना, शोषण कर रही थी भारतीयों का, ऐसे ही ब्रिटेन वालों द्वारा भी ब्रिटेन की महारानी के अंतर्गत जो शासन चल रहा था वो शासन व्यवस्था एज इट इज चलता रहा, यानी ज्यों का त्यों बना रहा, परंतु कहीं में चेंज किया? एडमिनिस्ट्रेशन में। क्लियर? कि भाई जैसे कि गवर्नर जनरल को चेंज करने के पश्चात क्या लाए गए? वॉइस ऑफ इंडिया। फिर उसके पश्चात एक भारत सचिव लाए गए, भारत सचिव के लिए 15 सदस्यों की टीम लाई गई। ठीक है, पहले गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया क्या करते थे? इसी के अंतर्गत आपने पढ़ा होगा चार्टर एक्ट 1853 के अंतर्गत क्या काम किया गया था कि सर गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया की जो काउंसिल थी, हमने पढ़ाया था ना 1773 के अंतर्गत कि गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल होगा और उसकी एक काउंसिल होगी 4 सदस्यों की। परंतु हमने बताया चार्टर एक्ट 1853 के दौरान क्या हुआ कि सर गवर्नर जनरल काउंसिल की एक तो उसका विस्तार कर दिया और साथ ही उसके जो कार्य थे प्रशासनिक और कौन से विधायी वाले, प्रशासनिक और विधायी यानी कि एडमिनिस्ट्रेटर और जी लॉ बनाने वाले, वो कार्य को पृथक कर दिया और जो लॉ बना रहे थे यानी विधि बना रहे थे, कानून बना रहे थे, उसके अंदर 6 अन्य सदस्यों को और जोड़ दिया। और वे 6 सदस्य कहाँ से आए थे उसका नाम एक अलग रख दिया, भारतीय विधान परिषद, भारतीय विधान परिषद। ठीक है, क्लियर? तो उसमें 6 सदस्यों में से 4 सदस्य आपके बंगाल, मद्रास, बॉम्बे और आगरा से आए थे, अच्छे से हमने पिछले के रिवीजन में कराया था। तो अभी क्या हुआ कि विधायी कार्य हेतु भारत सचिव का गठन किया और उसके लिए 15 सदस्यों की एक काउंसिल बनाई गई। उम्मीद है कि भारत सरकार अधिनियम 1858 को भली भांति समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ेंगे, भारत परिषद अधिनियम 1861। जल्दी से इसको रिटर्न करो, फिर उसके पश्चात में से रफ करने के बाद 1861 पे आऊंगा। क्लियर? आ जाओ भाई, बढ़े आगे। तो कि सर अब 1861 की बात करेंगे। 1861 में कुछ प्रावधान किए गए, एक तो इनको पहले तो एक छोटी सी बात ही समझो कि सर कि भारत सरकार अधिनियम क्यों लाए गए और भारत परिषद अधिनियम क्यों लाए गए। मैंने आपको पूर्व की कक्षाओं में अच्छे से बताया कि भारत परिषद अधिनियम किस लिए लाए गए और भारत सरकार अधिनियम किस लिए लाए गए। कि सर भारत परिषद अधिनियम भारतीयों के शासन में भारतीयों की सहभागिता सुनिश्चित करने के लिए भारत में भारतीयों के शासन के लिए भारतीयों की सहभागिता सुनिश्चित करने के लिए क्या लेके आए कि सर भारत परिषद अधिनियम लेके आए। और कितने भारत परिषद अधिनियम है कि सर 3 भारत परिषद अधिनियम आए हैं। किस लिए? कि भारत के अंदर, भारत में शासन चलाने हेतु भारतीयों की सहभागिता सुनिश्चित करने के लिए क्या लेके आए कि भारत परिषद अधिनियम लेके आए इंडियन काउंसिल एक्ट। और कितने थे भाई ये? कि सर 3 इंडियन काउंसिल एक्ट थे, भारत परिषद अधिनियम 3 थे। कौन कौन से? कि सर
1861, 1892, 1909 ये तीन भारत परिषद अधिनियम भारत के अंतर्गत आए, है ना। ठीक है, फिर मैंने बताया था कि भारत के अंदर भारत सरकार अधिनियम क्यों आए थे। भाई देखो, इनके अपने अपने महत्व है। जैसे चार्टर है, पहले तो कंपनी को रेगुलेट, अधिनियमित, विनियमित, है ना, करने के लिए, यानी कि गवर्न करने के लिए चार एक्ट लेके आए, जिससे कि ईस्ट इंडिया कंपनी की प्रक्रिया को समझा जाए और उसे कंट्रोल और नियंत्रण में लाया जा सके। ठीक है, फिर अब कंपनी को क्या किया, कंपनी को अब चेतावनी के तौर पर चार्टर एक्ट निकाल के लेके आए, जी सर, चार चार्टर एक्ट लेके आए, है ना, क्लियर। फिर क्योंकि अब ब्रिटेन को भारत के अंदर अपना शासन चलाना था, मतलब कि वो 1773 में मन बना चुके थे अच्छे से, तो उसके लिए प्रक्रिया चल रही थी। अब 1857 में ऐसी क्रांति हुई कि अब पूर्णता ही उन्हें समझ में आ गई कि अब हम डायरेक्ट करेंगे, कंपनी के बस की कुछ नहीं है, अब कंपनी की प्रक्रिया हमने अच्छे समझ ली है, तो अब हम खुद संभाल लेंगे। उसके पश्चात क्या, भारतीयों को विश्वास दिलाया कि भाई अब भारत के अंदर एक बेटर यानी बेहतर शासन चलाने के लिए अब तुम्हारा शासन ब्रिटिश क्राउन से चलेगा। यानी कि भारत सरकार अधिनियम किस लिए आए, भारत के अंदर एक बेहतर शासन व्यवस्था निर्मित करने के लिए, भारत के अंदर एक उत्तरदायी शासन बनाने के लिए क्या लेके आए, भारत सरकार अधिनियम। कि सर, भारत सरकार अधिनियम किस लिए लेके आए, कि भारत के अंदर बेहतर शासन व्यवस्था स्थापित करने के लिए। किस लिए, कि सर, बेहतर शासन व्यवस्था स्थापित करने हेतु भारत सरकार अधिनियम मतलब इंडियन गवर्नमेंट एक्ट लेके आए। अब कि सर, ये किसने आए थे, कि भाई पहले तो आया था भारत सरकार अधिनियम 1858, फिर उसके पश्चात भारत सरकार अधिनियम 1919, फिर भारत सरकार अधिनियम 1935, यानी कि तीन भारत सरकार अधिनियम आए। नोट डाउन करते रहिए, समझ गिनने के पश्चात नोट डाउन, यानी कि आप यूट्यूब पे एक ऑप्शन ये भी है कि आप पॉज करके रिट्राई भी कर सकते हो, है ना, समझ नहीं आया तो आप बैक भी कर सकते हो, है ना। तो ये फैसिलिटी आपको यूट्यूब ने प्रोवाइड कराई हुई है, तो इसका अच्छे से लाभ उठाओ। कि कितने भारत सरकार अधिनियम आए, कि सर तीन आए थे, और कितने भारत परिषद अधिनियम आए, कि सर तीन आए थे। क्लियर, भारत परिषद अधिनियम क्यों लेके आए गए और भारत सरकार अधिनियम किस लिए लेके आए, क्लियर है। चलो रिटर्न कर लिया ना, अब बात करेंगे भारत परिषद अधिनियम 1861 की। भारत सरकार अधिनियम कब कब लेके आए, कि सर पहला तो 1858 में आया, कि सर दूसरा 1919 में आया, तीसरा 1935 में आया। ठीक है, क्लियर, कोई डाउट नहीं है। क्वेश्चन में फ्रीक्वेंटली यहां से क्वेश्चन बन जाते हैं, यूपीपीएससी का फेवरेट पोर्शन होता है ये, है ना, सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। पॉलिटी के स्टार्टिंग भी है ये और आपका मॉडर्न इंडिया का पोर्शन भी है ये, तो अच्छे से इस टॉपिक को मैं इसलिए लेके चल रहा हूँ टुकड़ों टुकड़ों में, इसलिए वितरित किया हुआ है इसे, जिससे कि आप अच्छे से समझ पाओ और क्वेश्चन पे क्वेश्चन को अच्छे से अटेम्प्ट कर पाओ। ठीक है, सर भारत परिषद अधिनियम 1861 पहली बार लेके आया गया, किस लिए, कि अब ब्रिटिश वालों को अच्छे से समझ में आ गया था कि क्या, कि भारत के अंदर जो शासन चला हुआ है ना, उसके लिए भारतीयों की सहभागिता सुनिश्चित करनी होगी। अब भारतीयों का शासन हमें अवश्य लेना होगा, बिना भारतीयों के शासन में हिस्सेदारी के भारत का शासन नहीं चलाया जा सकता, क्योंकि वो 1857 की क्रांति में अच्छा खासा विद्रोह और भारतीयों की जो हिंदू मुस्लिम एकता थी ना, उसको अच्छी से समझ चुके थे। तो अब भारत के अंदर क्या चल रहा है, कि अब भारतीय शासन चलाने के लिए भारतीयों को एकजुट, यानी कि भारतीयों की सहभागिता सुनिश्चित कर रहे हैं। इसलिए पहला क्या लेके आए, कि सर भारत परिषद अधिनियम लेके आए 1861। इसमें क्या किया गया भाई, पहला सर, इसमें पहला पॉइंट किया गया कि भाई भारतीयों को वायसराय की जो कार्यकारी परिषद थी, विधायी परिषद थी, विधायी परिषद के अंदर क्या किया, कि सर तीन भारतीय सदस्यों को इंक्लूड किया, कि सर तीन भारतीय सदस्य, भारतीय
सदस्यों को शामिल किया। कहे में किसने किया? वायसराय ने। अब कौन थे भाई? ये फैक्चुअल पॉइंट आ गया। ये तो हो गया कि भाई तीन भारतीय सदस्यों को पहली बार भारत परिषद अधिनियम 1861 के अंतर्गत शामिल किया गया, और वो तीन कौन थे ये भी लिखो कि सर बनारस के राजा, कि सर बनारस के राजा, पटियाला, पटियाला के महाराजा, सर दिनकर राव, इन तीन सदस्यों को भारत शासन के लिए नॉमिनेट किया गया वॉइसरॉय ऑफ इंडिया द्वारा। क्लियर? ये सब पहला पॉइंट नहीं हो गया। दूसरा पॉइंट मैंने आपको अच्छे से बताया था, 1833 के चार्टर एक्ट और रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के एक्ट में कि सर पहली बार क्या किया गया, कि बंगाल के अंतर्गत बॉम्बे और मद्रास को बंगाल के अंतर्गत रख दिया गया, यानी कि यूनाइट, यानी कि सेंट्रलाइजेशन कर दिया। क्या कर दिया? सेंट्रलाइजेशन। सेंट्रलाइजेशन बोले तो केंद्रीयकरण, कि सबकी सारी शक्ति एक केंद्र में निहित कर दी, एक केंद्र में निहित कर दी, यानी कि तीनों को एक में मिला दिया, इन दो को एक के अंतर्गत रख दिया। किसके? बॉम्बे और मद्रास को बंगाल के अंतर्गत रख दिया, कि बॉम्बे के लिए और मद्रास के लिए बंगाल कानून बनाएगा। समझ में आई बात? तो केंद्रीयकृत कर दिया, परंतु कब? 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में। परंतु केंद्रीयकरण की प्रवृत्ति शुरुआत हो गई 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में। क्वेश्चन बनेगा कि केंद्रीयकरण की प्रवृत्ति, भारत के अंदर पहली बार केंद्रीयकरण की प्रवृत्ति कब लागू की गई या कब स्टार्ट यानी कि शुरू की गई थी, है ना? तो कब? रेगुलेटिंग एक्ट 1773। अब यो अपने व्यापक यानी कि बड़े स्तर पर भारत के अंदर केंद्रीयकरण की प्रवृत्ति कौन से एक्ट के द्वारा संपन्न हुई? समझ पा रहे कि भारत के अंदर किस अधिनियम के द्वारा केंद्रीयकरण की प्रक्रिया बड़े विस्तार क्षेत्र में यानी विस्तारित की गई, है ना, संपूर्ण भारत के अंदर। अब आपने देखा होगा तो यहाँ पे क्या बना दिया, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, यानी कि तीन प्रेसिडेंसी थी, तीन प्रोविंस थे और वो ला दिए बंगाल के अंदर। परंतु रेगुलेटिंग 1833 के अंतर्गत आपने पढ़ा होगा कि बॉम्बे और मद्रास से कानून बनाने की शक्ति छीन ली गई और एक नए पद का सृजन किया था, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, यानी कि बड़े स्तर पे सेंट्रलाइजेशन किया गया चार्टर एक्ट 1833 के अंतर्गत। कब? सर चार्टर एक्ट 1833 के अंतर्गत। समझ में आई? ये शुरुआत हुई थी केंद्र सेंट्रलाइजेशन की, सेंट्रलाइजेशन कब? 1773। परंतु व्यापक स्तर पे कब फैला? चार्टर एक्ट 1833 पे। और बॉम्बे और मद्रास से कानून बनाने के अधिकार यानी विधायी अधिकार छीन लिए गए, अभी अपने क्षेत्र के लिए कानून नहीं बनाएंगे। अब इनके लिए कानून कौन बनाएगा? गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, यानी कि सभी क्षेत्रों सारी शक्ति विधायी बनाने की किसमें निहित होगी? गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। क्लियर? परंतु 1861 में क्या किया कि सर केंद्रीयकरण की प्रवृत्ति, केंद्रीयकरण की प्रवृत्ति को उलटकर, को समाप्त कर क्या किया कि सर विकेंद्रीकरण को लागू किया गया। किसको? कि सर विकेंद्रीकरण को लागू किया। अब ये विकेंद्रीकरण क्या है कि भाई केंद्रीकरण यानी केंद्र में आ गई, है ना, केंद्र में आ गई भाई, ये है। अब इसकी सारी शक्ति सेंटर में समाहित होगी, ये लो। अब ये जो स्टेट है ना, ये ए बी सी डी ई एफ जी एच, ये जो क्षेत्र हैं वो यहाँ पे, कहाँ पे वाला, यहाँ पे समाहित होगी।
अब ये कानून बनाएगा एबीसीडी ई एफ जी एच के लिए, तो ये हो गया क्या, सेंट्रलाइजेशन। क्लियर? परंतु विकेंद्रीकरण में ए बी सी डी ई एफ मतलब कि क्या हो गया विकेंद्रीकरण में, कि भाई शक्तियों का बंटवारा कर दिया। अब ए अपने क्षेत्र के लिए कानून बनाएगा, बी अपने क्षेत्र के लिए, सी अपने क्षेत्र के लिए, डी अपने क्षेत्र के लिए, ई अपने क्षेत्र के लिए, एफ अपने क्षेत्र के लिए, मतलब कि यह प्रक्रिया क्या कहलाएगी, डिसेंट्रलाइजेशन। यानी कि विकेंद्रीकरण, या क्या कहलाएगी कि सर सेंट्रलाइजेशन, केंद्रीयकरण। क्लियर कि सर इसमें क्या किया गया, दूसरा पॉइंट 1861 भारत परिषद अधिनियम में, कि सर केंद्रीयकरण की प्रवृत्ति को उलट दिया, जो अभी तक ईस्ट इंडिया कंपनी की फेवरेट थी, अब डिसेंट्रलाइजेशन लगा दिया। कहने का मतलब अब जो 1833 के चार्टर एक्ट में अपने बड़े स्तर पर फैल चुकी थी और बॉम्बे और मद्रास को कानून बनाने से वंचित कर दिया था, तो वो प्रवृत्ति को उलट दिया और बॉम्बे और मद्रास को कानून बनाने के अधिकार प्राप्त करा दिए, प्राप्त किए। ठीक है कि सर बॉम्बे एवं मद्रास विधानसभा को, विधान परिषद को विधि बनाने हेतु अधिकार दिए गए। क्लियर? पक्का? रिवीजन करा रहा हूं क्योंकि बहुत से छात्र नहीं समझ, मतलब नहीं देख पाते पूर्व की कक्षा है, तो वो संडे में फ्री होते हैं, संडे में ऑफ होता है ना, तो वो रिवीजन करके आराम से तसल्ली से रिवीजन कर सके और एग्जाम की तैयारी कर सके, इसलिए रिवीजन वीडियो बनाई जाती है। क्लियर? चलो, केंद्रीकरण और विकेंद्रीकरण अच्छे समझ में आया ना, बहुत बढ़िया। चलो आगे बढ़ते हैं। सर ये दो काम हो गए, अब तीसरा काम बताओ, विधि बनाने का अधिकार हो गया। देखो कहीं ना कहीं ये देख रहे होंगे कि भाई सेंटर अपना काम कर रहा है और प्रांत अपना काम कर रहे हैं, प्रांत मतलब कि ये बॉम्बे और मद्रास, ये अपने मतलब इनको कानून बनाने के लिए क्या दे दिया, अधिकार दे दिया कि भाई अब आप अपने क्षेत्र के लिए कानून बना सकते हो। कहीं ना कहीं स्थानीय गवर्नमेंट वाली धारणा विकसित होने लगी, यानी कि प्रांतों को कहीं ना कहीं थोड़ा थोड़ा स्वायत्ता मिलनी स्टार्ट हो गई। कौन से एक्ट के द्वारा? सर 1861 के भारत परिषद अधिनियम द्वारा। फिर कहा कि भाई अब एक काम करो, इन्हें तो कानून बनाने की परमिशन दे दी बॉम्बे को और मद्रास को, साथ ही बंगाल प्लस संयुक्त सीमा प्रांत, संयुक्त सीमा प्रांत प्लस पंजाब में विधान परिषद का गठन का प्रावधान किया गया, गठन का प्रावधान किया गया। कब? भारत परिषद अधिनियम 1861 में। बंगाल में कब होगी? कि सर 1862 में बंगाल में बनकर तैयार हुई और संयुक्त सीमा प्रांत में 1866 में, एवं पंजाब के अंदर 1897 में बनकर तैयार हो जानी चाहिए। कि भाई सर बंगाल के अंदर 1862 में, संयुक्त पश्चिम सीमा प्रांत के अंदर 1866 में और पंजाब में 1847। तो आप देख पा रहे होंगे जो हमने विकेंद्रीकरण की प्रवृत्ति के बारे में जिक्र किया, यानी कि स्थानीय सरकार अब स्थानीय जनता के लिए कानून बनाएगी, यानी प्रांत की सरकार, प्रांत के अंदर जो गवर्नमेंट होगी यानी विधान परिषद होगी, अब उसका विस्तार करने के लिए प्रावधान किया गया भारत परिषद अधिनियम 1861 में। उसमें कहा गया कि सर बंगाल, संयुक्त सीमा प्रांत और पंजाब में भी विधान परिषद होगी, जिससे कि ये अपने क्षेत्र के लिए क्या कर पाएंगे, कानून निर्मित कर पाएंगे। क्लियर? समझ में आ रहा है? चलो, कि सर बंगाल में यानी कि स्थानीय सरकार के लिए प्रावधान आया, यानी कि प्रांतों को स्वायत्ता प्राप्त हुई, प्रांतों को स्वायत्ता देने का आरंभ। क्लियर? प्रांतों को स्वायत्ता। अब भाई स्टार्ट तो हो गया 1861 में, परंतु कंप्लीट कब हुई? पूर्ण रूप से लगभग 1937 में जाके अच्छे से प्रांतों में चुनाव कराए गए थे और 11 राज्यों में से
छह प्रांतों में, यानी 11 प्रांतों में 6 प्रांतों में अच्छे से द्विसदनीय व्यवस्था थी, यानी विधान परिषदें थी, ठीक है, जो कानून बनाए गए थे। क्लियर बड़ा क्या कि सर ये तो हो गया, अब एक और बताओ, चौथा पॉइंट लिखो। हमने पिछले मंडे को एक करंट अफेयर का एक टॉपिक डिस्कस किया था कि अध्यादेश। अब अध्यादेश की पृष्ठभूमि कहां से निकल गए कि सर भारत परिषद अधिनियम 1861 से अध्यादेश संबंधी प्रावधान निकल गया है। क्या कि सर वायसराय के पास एक ऐसी पावर दी गई जिसका नाम अध्यादेश था कि वो क्या करेगा, एक अध्यादेश लेकर आएगा जिसकी वैलिडिटी यानी कि जिसकी समय सीमा कितनी होगी, 6 महीने। यानी अध्यादेश संबंधी प्रावधान, अध्यादेश संबंधी प्रावधान वायसराय के लिए, समय सीमा क्या होगी कि सर 6 महीने कि अध्यादेश 6 महीने तक रहेगा। अब अध्यादेश क्या है, अध्यादेश है कि भाई ये जो विधान परिषद इसका है, जो विधान परिषद कानून बनाती थी, कानून बनाती थी, परंतु जब विधान परिषद का समय चलाए मानने हो, मतलब उस बैठ के आयोजित नहीं हो रही कानून बनाने के लिए, तो क्या होगा, ऐसी परिस्थिति जनरेट हो यानी क्रिएट हो कि ऐसी परिस्थिति बनी हुई है विधान परिषद उस टाइम कार्य नहीं कर रही, तो वायसराय द्वारा कहलाया जाएगा एक अध्यादेश। अध्यादेश क्या होगा, कानून के रूप में कार्य करेगा और उसकी भी समय सीमा क्या होगी, 6 महीने। क्लियर अच्छे से कि सर इसमें क्या गया, 3 सदस्यों को शामिल किया गया भारतीय शासन में शामिल करने के लिए, जो कि बनारस ने किया था, तो बनारस का वॉयसराय ऑफ इंडिया ने किया गया था, कौन कौन थे, बनारस के राजा, पटियाला के महाराजा और सरदिनकर राव। दूसरा पॉइंट कि सर इसमें केंद्रीयकरण की प्रवृत्ति को समाप्त करने के पश्चात एक विकेंद्रीयकरण की प्रवृत्ति लाई गई, विकेंद्रीय प्रकृति का कि शक्तियों का बंटवारा कर दिया, इधर से भी इधर से भी उधर से भी उधर से भी, अब सेंटर में कोई शक्ति समाहित नहीं होगी, अब प्रत्येक राज्य अपने लिए कानून बनाएगा और बॉम्बे और मद्रास को कानून बनाने के अधिकार प्राप्त कराए, ठीक है, जो कि 1833 के चार्टर एक्ट में छीन लिए गए थे। साथ ही बंगाल संयुक्त सीमा प्रांत एवं पंजाब के अंदर एक एक विधान परिषद का प्रावधान किया गया जो कि 1862, 1866 और 1897 में निर्मित होगी। क्लियर। साथ ही अध्यादेश की शक्ति संबंधी वायसराय को अधिकार प्रदान किया गया, अध्यादेश संबंधी है ना, भारत के अंदर अध्यादेश का पृष्ठभूमि कहां से निकल जाएगी, भारत परिषद अधिनियम 1861 के अंतर्गत। क्लियर। साथ ही जो अध्यादेश होगा वो 6 महीने तक उपलब्ध यानी वैधता रहेगी उसकी, यानी समय सीमा रहेगी। क्लियर अच्छे समझ में आया, दोनों है 1858 का भी और 1861 का भी। अब आगे बढ़ेंगे 1892 के भारत परिषद अधिनियम के। क्लियर, रिटर्न हो गया होगा है ना, अगर कहीं रह जाए तो, अगर कहीं भी डाउट हो ना छोटा सा भी है ना, तो बेझिझक होगा आप क्या करोगे, कमेंट बॉक्स में कमेंट करोगे है ना, ये जिम्मेदारी मेरी है कि मैं आपके डाउट को क्लियर करूं। ठीक है, क्लियर। चलो नेक्स्ट टॉपिक है भाई भारत परिषद अधिनियम 1892। अब 1892 में क्या किया गया कि सर भारत परिषद अधिनियम द्वारा 1892 में एक काम किया गया, एक तो जो विधान परिषद थी ना और उसमें भारतीयों की संख्या और भारतीयों की सदस्यों की संख्या बढ़ा दी गई है ना, और भारत परिषद जो थी उसका विस्तार कर दिया। परिषद का काम होता है परिषद, काउंसिल, विधायी परिषद यानी कि लेजिस्लेचर काउंसिल। अब लेजिस्लेचर काउंसिल क्या है, मैंने आपको पिछले क्लास में कराया था कि लोकतंत्र के 3 पिलर होते हैं और आज के टाइम में देखा है 4 पिलर है कि लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, साथ ही जुडिशरी एवं मीडिया। लेजिस्लेचर का काम होता है क्या, लॉ बनाना, और एग्जीक्यूटिव का लॉ को फॉलो कराना, लागू कराना या इम्प्लीमेंट कराना। जुडिशरी का काम होता है कि लॉ जो बनाया है लेजिस्लेचर ने और एग्जीक्यूटिव ने जो इम्प्लीमेंट कराया है उसकी संवैधानिक जांच कराने हेतु जुडिशरी का कार्य होता है कि संविधान के अंतर्गत, क्योंकि संविधान हमारे देश के अंदर सुप्रीम है, तो संविधान के दायरे में रह के लॉ को बनाया गया है तो उसकी एक संवैधानिक यानी कॉन्स्टिट्यूशनल इन्वेस्टिगेशन ऑफ बाय द जुडिशरी, यानी कि जुडिशरी यानी न्यायपालिका द्वारा आपके लॉ की जांच यानी इन्वेस्टिगेट किया जाएगा। क्लियर। अब मीडिया,
द्वारा क्या किया जाएगा, जनता को किन किन पॉलिसी की आवश्यकता है या फिर सरकार द्वारा जनता के लिए क्या क्या पॉलिसी बनाई गई है, जनता की समस्याओं का निराकरण करने हेतु सरकार को जागृत करना या सरकार द्वारा जो पॉलिसी बनाई गई है जनता को जागरूक करना, ये मीडिया का काम है। क्लियर? तो अब भारत परिषद अधिनियम 1892, इसमें क्या कहा कि भाई विधान परिषद का क्या किया गया, विस्तार किया गया है? इसमें गैर सरकारी सदस्य, देखो जो तीन सदस्य थे ना इसके अंदर वे गैर सरकारी सदस्य मतलब सरकार द्वारा नहीं थे वे, सरकारी पद पर नहीं थे वे, तो वे गैर सरकारी सदस्य थे। एक तो होता था सरकारी सदस्य, एक होता था गैर सरकारी सदस्य। सरकारी सदस्य आपको अच्छे से पता होगा कि अंग्रेज होते थे, और गैर सरकारी सदस्य भारतीय को अपॉइंट किया गया वॉइसराय जनरल वॉइसराय ऑफ इंडिया द्वारा। ठीक है, तो गैर सरकारी सदस्य कितनी संख्या कि सर मैक्सिमम कितनी, 10, वो मिनिमम 10 और मैक्सिमम 16 इतनी कर दी गई। विधान परिषद यानी विधान परिषद में क्या हुआ कि कम से कम तो 10 हो सके और ज्यादा से ज्यादा 16 हो सके। कहां पे? सेंटर के अंदर, केंद्र के अंदर। मैंने आपको बताया कि अब प्रांतों में विधान परिषद का निर्माण किया जाने लगा। कब? भारत परिषद अधिनियम 1861 के अंतर्गत। कि सर बॉम्बे और मद्रास को कानून बनाने के अधिकार दे दिए, कहीं तो उनके अंदर भी जाहिर सी बात है विधान परिषद है। और फिर कहा था बंगाल और संयुक्त पश्चिम सीमा प्रांत एवं पंजाब के अंदर 1862-66 और 97 में क्या होगा, विधान परिषद का गठन किया जाएगा। तो जाहिर सी बात है गैर सरकारी सदस्य तो वहां भी नॉमिनेट होंगे। तो देखो भाई, तो ये जो सदस्य होंगे ये कहां होंगे, केंद्रीय यानी कि सेंटर में। केंद्रीय विधान परिषद का विस्तार किया गया, साथ ही प्रांतीय यानी प्रांतीय बोले तो राज्यों के अंदर प्रांतीय विधान परिषद का भी विस्तार किया गया, विधान परिषद का भी विस्तार किया गया। अब भाई सेंटर में ठीक है, सेंटर में निश्चित की गई संख्या, परंतु प्रांतों में कोई निश्चित की नहीं की गई, क्योंकि प्रांत छोटा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है, उसकी पॉपुलेशन बड़ी भी हो, ज्यादा भी हो सकती है, कम भी हो सकती है। पॉपुलेशन के बेस पे यानी जनसंख्या के आधार पे हम क्या करते हैं, सदस्यों को अपॉइंट करते हैं। कहां पे? विधान परिषद के अंदर। जैसे आज के टाइम में हमारे देश के अंदर जो मेंबर और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, मेंबर ऑफ लेजिस्लेचर असेंबली जो चुन के आते हैं, उनका जो क्षेत्र होता है वो कैसे निर्धारण होता है, वो पॉपुलेशन के बेस पे होता है। कौन करता है? परिसीमन आयोग बनता है। परिसीमन आयोग के अंतर्गत क्या होता है, वो कॉन्स्टिट्यूएंसी डिसाइड करती है कि एक एमएलए के जो एमएलए की सीट होगी यानी मेंबर ऑफ लेजिस्लेचर असेंबली और लोकसभा के अंदर आपके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट यानी सांसद, उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी कहां से कहां तक होगी। ये जनसंख्या ना कि क्षेत्रफल के आधार पर, जनसंख्या के आधार पर डिसाइड होता है, किसके, पॉपुलेशन। क्लियर? तो भाई प्रांतों के अंदर, किसी प्रांत के अंदर कम पॉपुलेशन होती है, किसी के अंदर ज्यादा होती है, तो उसके बेस पर क्या हुआ, प्रांतों के अंदर गैर सरकारी सदस्यों की संख्या तो बढ़ाई गई परंतु निश्चित नहीं की गई किसी प्रांत में, कि प्रांत जैसे सेंटर में हमने कर दी कि प्रांत सेंटर के अंदर कि कम से कम 10 होनी चाहिए, ज्यादा ज्यादा 16 होनी चाहिए, परंतु प्रांतों के अंदर नहीं की गई। समझ पा रहे हो? क्लियर? फिर दूसरा बताया गया क्या हुआ कि भाई केंद्रीय परिषद का, विधान परिषद का विस्तार कर दिया, साथ ही प्रांतीय परिषद का विस्तार कर दिया, परंतु प्रांतों के अंदर कोई निश्चित नहीं थी, है ना, अनिश्चित थी, परंतु केंद्र के अंदर निश्चित की गई इसके गैर सरकारी सदस्यों की संख्या। क्लियर? दूसरा कि सर अब क्या हुआ, जाहिर सी बात है जब विधान परिषद का विस्तार कर दिया तो अब विधान परिषद के क्या होंगे, कार्यों में भी इंक्रीमेंट होंगे यानी कार्यों में वृद्धि होगी। किसकी? विधान परिषद के। कि सर विधान परिषद के कार्यों में वृद्धि कैसे की भाई, अब भारतीयों को 1892 के अंतर्गत, भारत परिषद अधिनियम 1892 के अंतर्गत का काम दिया गया, मतलब अब अधिकार धीरे धीरे दिए जा रहे, एकदम से नहीं दे रहे, धीरे 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 धीरे, क्योंकि अब भारत के अंदर शैक्षणिक वर्ग जो था वो शिक्षित हो चुका था और अब वो शासन के अंदर दिलचस्पी लेने लगा था। तो अब वो एक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस भी बन चुकी थी, INC 1885, और हम बात क्या कर रहे 1892 की, है ना, यानी 7 वर्ष पूर्व क्या हुआ, एक INC यानी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन हुआ था। और तो जाहिर सी बात है अब भारतीय लोग भी अपनी क्या
सिफारिशें या फिर जो भी समस्याएं थी हमारी भारतीयों की, उनकी समस्याओं को निराकरण के लिए असेंबली के अंदर जा रहे थे और जाके रख रहे थे, परंतु उन्हें अभी सीमित अधिकार थे, पूर्ण अधिकार प्राप्त नहीं थे। जैसे कि सेंटर में एक बजट पेश होता था, बजट है ना, बजट बात करेंगे इकोनॉमिक्स की क्लास में जब बजट पे बात करेंगे, है ना। मैंने आपको पहले लेक्चर में बताया कि तो आप इसका जवाब देंगे कि बजट हमारे संविधान के अंदर किस नाम से व्याख्यायित है, है ना, बजट हमारे संविधान के अंदर किस नाम से व्याख्यायित है और कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत आता है। क्लियर, बजट। तो इन्होंने पहला काम किया कि भाई जो विधान परिषद के अंदर बजट यानी गैर जो भारतीय भारतीय थे ना, बजट के लिए बजट का बजट को लाने का कार्य तो अंग्रेज करेंगे, परंतु बजट पर चर्चा का अधिकार दिया गया, बजट पर चर्चा का अधिकार, चर्चा का अधिकार यानी बहस कर सकते हैं, चर्चा का अधिकार दिया गया, बहस करने का अधिकार दिया गया। चलिए पहला पॉइंट। दूसरा इसमें कहा कि जो सार्वजनिक मुद्दे होंगे ना, सार्वजनिक मुद्दे है ना, सार्वजनिक मुद्दों को लेकर कि भाई सोशल इश्यू है ना, उनको लेकर क्या होगा, अगर आप पूछोगे ना तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 6 दिन पहले नोटिस देना पड़ेगा सार्वजनिक मुद्दों के लिए, सार्वजनिक मुद्दों पर चर्चा करने के लिए क्या करना पड़ेगा कि सर 6 दिन पूर्व नोटिस देना पड़ेगा, 6 दिन पूर्व नोटिस देना पड़ेगा किसको, कि सर विधान परिषद के अंदर कि बजट पर चर्चा का अधिकार दिया गया, सार्वजनिक मुद्दों पर चर्चा के लिए क्या करना पड़ेगा कि 6 दिन पूर्व नोटिस देना पड़ेगा। क्लियर, चलो। अब भैया जो हमने कहा कि विधान परिषद के अंदर गैर सरकारी सदस्य होंगे, प्रांतीय विधान परिषद के अंदर गैर सरकारी सदस्य होंगे, ऐसी बात है, ये आएंगे कैसे, अपॉइंट होंगे या निर्वाचित होंगे, तो मैंने कहा अपॉइंट होंगे या निर्वाचित होंगे, तो समझो मैंने क्या कहा था 1861 में कि पहली बार अपॉइंट किए गए भारतीय गैर सरकारी सदस्य, अपॉइंट नॉट निर्वाचित, परंतु इसमें क्या हुआ कि जो गैर सरकारी सदस्य होंगे दोनों के अंदर इनका निर्वाचन होगा, निर्वाचित होंगे, तो निर्वाचन प्रक्रिया शब्द का प्रयोग पहली बार भारत परिषद अधिनियम 1892 में आया, परंतु इसका प्रयोग नहीं हुआ, क्या कि सर निर्वाचन पद्धति या चुनाव व्यवस्था शब्द का प्रयोग पहली बार प्रथम बार हुआ, शब्द का प्रयोग हुआ, इंप्लीमेंट नहीं हुआ कि निर्वाचित होंगे कि जो भी ये सदस्य गैर सरकारी सदस्य होंगे इनका एक चुनाव होगा और चुनाव के माध्यम से आएंगे, तो निर्वाचन पद्धति बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और यहां से फ्रिक्वेंटली क्वेश्चन पूछ लिया जाता है किस अधिनियम के अंतर्गत निर्वाचन पद्धति का या निर्वाचन शब्द का या निर्वाचन संबंधी प्रावधान आए थे, तो आपका जवाब क्या होगा कि भारत परिषद अधिनियम 1892 के अंतर्गत। क्लियर, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट लाइन है कि निर्वाचन पद्धति का प्रयोग पहली बार कब हुआ, तो इसका क्या होगा भारत परिषद अधिनियम 1892। इसमें क्या किया गया कि सर केंद्रीय परिषद का विस्तार कर दिया विधान परिषद का और गैर सरकारी सदस्यों का, और वे निर्वाचित होंगे, अपॉइंट नहीं होने के, निर्वाचित यानी निर्वाचन का पहली बार प्रयोग हुआ 1892 में। फिर कहा कि विधान परिषद के कार्य में वृद्धि कर दी, इसमें क्या क्या कार्य कर दिए, इसमें बजट पर चर्चा का अधिकार दे दिए, चर्चा ओनली, अभी बजट पेश यानी प्रस्ताव लाने का अधिकार किसका है, अंग्रेजों का ही है। फिर सार्वजनिक मुद्दों पर 6 दिन पूर्व चर्चा करने के लिए नोटिस देना पड़ेगा। क्लियर, तो ये कुछ पॉइंट थे किसमें, भारत परिषद अधिनियम 1892 में, और आशा कर रहा हूं कि आपको भली भांति समझ में आ रहे होंगे, और फिर भी कहीं डाउट हो ना तो कमेंट बॉक्स ओपन है, आप वहां पर कमेंट करिए। क्लियर, अब बात करेंगे भारत परिषद अधिनियम 1909। भाई मजा आ रहा होगा ना, भाई मजा ही आना चाहिए, मजे लेके ही पढ़ना चाहिए। देखो भाई मुझे तो पढ़ाने में मजा आ रहा है, मैं उसे सीधी सी बता रहा हूँ बात,
मुझे तो अच्छा लगता है पढ़ाना, इसलिए मैं पढ़ाता हूँ और इसलिए अपना यूट्यूब चैनल पर पढ़ाना स्टार्ट कर दिया है ना। चलो अब आ जाओ, भारत परिषद अधिनियम 1909। कितने भारत परिषद अधिनियम है कि सर तीन भारत परिषद अधिनियम है, और कितने भारत सरकार अधिनियम है कि सर तीन भारत सरकार अधिनियम है। तो इन पर हम चर्चा कर रहे हैं और आज का लेक्चर बड़ा होगा परंतु इंटरेस्टिंग होगा, मजा आएगा, फुल एनर्जी के साथ आपका लेक्चर बनाया जा रहा है। तो ऐसे ही आप प्यार दिखा रहे हो, मजा आ रहा है। चलो भारत परिषद अधिनियम 1909 देखो भाई, पहला तो पॉइंट यही होगा कि सर भारतीयों की भारतीय गैर सरकारी सदस्यों का संख्या में वृद्धि की गई, कहां पे? भारतीय विधान परिषद के अंदर, सेंटर में और प्रांतों में। ठीक है, कहां से स्टार्टिंग हुई थी आपको अच्छे से पता होगा कि सर भारत परिषद अधिनियम 1861 में हुई थी, परंतु परिषद में विस्तार कब से हुआ? 1892 से हुआ। अब और इंक्रीमेंट कर दिया यानी और बढ़ा दी, यानी कि और विस्तार कर दिया, किसका? सर भारतीय विधान परिषद का, और उसमें भारतीय गैर सरकारी सदस्यों की संख्या और बढ़ा दी केंद्रीय स्तर पर और प्रांतीय स्तर पर। जबकि मैंने आपको बताया था कि सर प्रांतीय स्तर पर सदस्यों की संख्या जो है वो अनिश्चित है, क्योंकि प्रांतों के आकार एवं पॉपुलेशन कम बत्ती हो सकते हैं, कम भी हो सकती है पॉपुलेशन, ज्यादा भी हो सकती है, परंतु सेंटर में निश्चित की गई सदस्यों की संख्या। जैसे कि बताया कि केंद्रीय व प्रांतीय विधान परिषद का विस्तार किया गया कितनी कर दी संख्या भाई? कि सर मिनिमम 16 और बढ़ा के 60 कर दी, कि मिनिमम 16 और बढ़ा के 7 कर दी, 60 और 16 के बीच में कौन? गैर सरकारी सदस्य कहां पे? केंद्रीय विधान परिषद के अंदर, परंतु प्रांतों में तो डिफरेंट है ना, अनिश्चित है कि भाई पॉपुलेशन ज्यादा भी हो सके कम भी हो सकती है। क्लियर, समझ पा रहे हो कि सर 1892 में तो 10 से 16 थी, अब और बढ़ा दी क्योंकि और से शैक्षणिक वर्ग उभर के आया है ना, शिक्षा का विस्तार हो रहा भारत में कहीं ना कहीं। दूसरा, अब भाई जब विस्तार हुआ और किस पद्धति के माध्यम से? कि सर हमने पढ़ा निर्वाचन पद्धति का शुभारंभ, प्रयोग शब्द का प्रयोग पहली बार हमने भारत परिषद अधिनियम 1892 में पढ़ा, तो जाहिर सी बात है 1909 में इसका उपयोग यानी सदुपयोग भी किया जाने लगा। तो सवाल बनेगा, भारत परिषद अधिनियम 1909 द्वारा जो गैर सरकारी सदस्य आए थे वो किस पद्धति के माध्यम से आए थे? देखो लाइन तो हम पढ़ रहे हैं परंतु क्वेश्चन कहां से फंसा ये समझो कि सर किस माध्यम से आए हैं। तो अपॉइंट यानी कि नियुक्त किए गए हैं या फिर निर्वाचित किए गए हैं या फिर इनमें से कोई नहीं, तो ऑप्शन में निर्वाचित प्रक्रिया के माध्यम से, यानी निर्वाचन यानी चुनाव संबंधी प्रक्रिया कराई गई तब जाके इनको निर्वाचित किया गया। क्लियर, बहुत बढ़िया। फिर कि सर अब भाई इनका विस्तार कर दिया तो जाहिर सी बात है इनके कार्यों में वृद्धि की जाएगी, कायम है भाई केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषद के अंदर कार्यों में इंक्रीमेंट किया कर दिया। और आपने पहली बार देखा कि 1892 के भारत परिषद अधिनियम के द्वारा क्या किया गया कि सर बजट में बहस दे दी, बहस यानी चर्चा करने का अधिकार दे दिया, सार्वजनिक मुद्दों के लिए अधिकार दे दिया है ना। परंतु अब जो अंग्रेज बजट पास कर रहे थे, प्रस्ताव ला रहे थे, तो अब भारतीयों को बजट पर प्रस्ताव लाने का अधिकार भी प्रदान कर दिया। क्या? कि सर बजट पर लाने का अधिकार प्लस सार्वजनिक मुद्दों के लिए प्रस्ताव लिए प्रस्ताव, साथ में अनुपूरक प्रश्न पूछने का अधिकार यानी तर्क वितर्क करने का अधिकार, कि सर बजट पर प्रस्ताव लाने का अधिकार दे दिया, प्रस्ताव कि भाई ये बजट है हमारे देश का, तो मानना किसका है? मानना अंग्रेजों का ही है, अभी मानने ना मानने वो अंग्रेजी रखेंगे, परंतु अब अधिकार धीरे धीरे दिए जाने लगे थे भारतीयों को। ठीक है, समझ पा रहे हो कि भाई स्टार्टिंग में बजट पर चर्चा का अधिकार दिया गया,
है ना, फिर उसके पश्चात बजट पे प्रस्ताव लाने का अधिकार दिया गया, पहले बजट पे बोलने का अधिकार दिया गया, फिर बजट को पेश करने का अधिकार दिया गया, बजट को प्रस्ताव लाने का अधिकार दिया गया, फिर अनुपूरक प्रश्न पूछने का अधिकार दिया गया। क्लियर? ठीक है। साथ ही एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल जो कि सदा बार है पीसीएस में फ्रिक्वेंटली पूछ लिया जाता है, वन डे एग्जाम एसएससी सीजीएल इत्यादि एग्जाम में पूछ लिया जाता है ना, तो भारत परिषद अधिनियम 1909 को एक अन्य नाम से भी जाना जाता है, कौन बताएगा भाई? बताते हो बता दो, नहीं तो मैं तो बता ही रहा हूँ, रिविजन क्लास है कि सर भारत परिषद अधिनियम का एक अन्य नाम क्या है कि सर इसका एक अन्य नाम है मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम। क्या नाम है कि सर मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम। अब यहां पे सवाल बनेगा कि निम्नलिखित में से मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम में मार्ले कौन थे या फिर मिंटो कौन थे? तो ऑप्शन में मार्ले एवं मिंटो कौन थे, ऐसा भी बन जाएगा। ऑप्शन में क्या होगा कि ऑप्शन ए मार्ले वाइसरॉय ऑफ इंडिया, मिंटो भारतीय सचिव, ऑप्शन बी दोनों ही भारतीय सचिव, ऑप्शन सी मार्ले भारतीय सचिव एवं मिंटो भारतीय वाइसरॉय, चौथा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दीज। तो आंसर क्या होगा? आंसर सी होगा कि मार्ले, लॉर्ड मार्ले कौन है भाई, कि सर मार्ले यहां पे भारतीय सचिव है और मिंटो यहां पे कि भारतीय वाइसरॉय है। देखो भाई ये छोटे छोटे पॉइंट है ना, ये इंपॉर्टेंट है फैक्चुअल पॉइंट की दृष्टि से, जो कि प्रीलियम्स में या फिर वन डे एग्जाम में डायरेक्ट पूछ लिया जाता है और हम ऊपर ऊपर से करके निकल जाते हैं। तो क्या मार्ले भारतीय सचिव, मिंटो भारतीय वाइसरॉय। क्लियर? समझ पा रहे हो? चलो अन्य नाम क्या बताया, मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम। अब भाई क्या हुआ, मार्ले मिंटो अभी भारत की भारतीय तो हिंदू और मुस्लिम एकता 1857 के विद्रोह में देखी गई। अब जो ये ब्रिटिश वाले थे बड़े दिमाग के आदमी थे, इन्होंने क्या किया, अब इस यूनिटी को तोड़ने की ठान ली थी और क्या हुआ 1906 में भारतीय मुस्लिम लीग का एक गठन किया गया। मार्ले मिंटो, मिंटो जो थे भारतीय वाइसरॉय बन के आए थे, मार्ले भारतीय सचिव बन के आए थे, इन्होंने मुस्लिमों का पक्ष लेना स्टार्ट कर दिया। पहले हिंदुओं का, हिंदुओं ने घास नहीं डाली तो फिर मुस्लिमों का, और मुस्लिमों को बढ़ा चढ़ाया और बताया कि अगर हम यहाँ से शासन व्यवस्था अगर भारत से भारतीयों को सौंप के चले जाते हैं तो हमारे जाने के पश्चात आप लोगों का बहुत ज्यादा शोषण करेंगे, है ना। तो ऐसे मुस्लिमों को बेला फुसलाया, तो मार्ले ने कहा था कि हम भारत के अंदर, भारत परिषद अधिनियम 1909 में, कि हम भारत में एक जहरीले विष यानी विषधारी फसल का निर्माण यानी फसल को बो रहे हैं जिसमें आने वाली नस्ल की कमर टूट जाएगी फसल को काटते हुए, पर यह समाप्त नहीं हो पाएगी। यानी कि सांप्रदायिक चुनाव या सॉरी करो चुनाव नहीं सांप्रदायिकता, मतलब कि हमारे देश में पृथक निर्वाचन का, यानी कि मुस्लिमों को पहली बार वोटिंग राइट दिया गया, मुस्लिमों को बांट दिया भारतीय देश के अंदर, है ना। तो बांटने का काम कौन से एक्ट के द्वारा किया गया, भारत परिषद अधिनियम 1909 के द्वारा किया गया। इसमें क्या हुआ कि सर पृथक निर्वाचन संबंधी प्रावधान, पृथक निर्वाचन संबंधी प्रावधान कौन से में आया, भारत परिषद अधिनियम 1909 में। किसको दिया गया, पहली बार, यानी पहली बार पृथक निर्वाचन का अधिकार दिया गया मुस्लिमों को। अयो क्या था भाई कि जिस क्षेत्र में मुस्लिम बहुसंख्यक होंगे या फिर मुस्लिम क्षेत्र में से मुस्लिम कैंडिडेट यानी मुस्लिम सदस्य ही चुन के आएगा, मुस्लिमों द्वारा वोट दिया जाएगा। तो यहां पे अब भारतीय समाज में से एक समुदाय को पृथक कर दिया, किस माध्यम से, निर्वाचन यानी निर्वाचन का अधिकार प्रदान करके, चुनाव संबंधी अधिकार प्रदान करके अब भारतीय समाज में फूट डालने का काम कराया गया मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम द्वारा। क्लियर? अच्छे समझ में आ रहा है? और नीव जो हिंसा होती है भारतीय और मुसलमान में, वो भारतीय करो मुसलमान में और जी हिंदू में,
वो इसी की देन है और यहां से निकल के आया, पृष्ठभूमि यहां से बनती है। क्लियर। फिर पहली बार भारतीय वॉइस रॉय की कार्यकारिणी परिषद के अंदर एक विधि सदस्य जो थे पहले भारतीय, उनका नाम सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा जी, एसपी सिन्हा जी, एसपी सिन्हा पहले भारतीय फर्स्ट इंडियन विधि सदस्य थे, विधि सदस्य के रूप में पहले भारतीय विधि सदस्य के रूप में नॉमिनेट हुए वॉइस रॉय की कार्यकारिणी परिषद में, वॉइस रॉय की परिषद में। कि सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा जी यानी एसपी सिन्हा पहले भारतीय विधि सदस्य थे, पहले भारतीय लगाया मैंने, पहले जो विधि सदस्य थे वो थे लॉर्ड मैकाले। पहले विधि सदस्य कौन थे गवर्नर जनरल काउंसिल के, वो थे लॉर्ड मैकाले। परंतु यहाँ पे पहले भारतीय सदस्य के रूप में अपॉइंट किए गए वॉइसरॉय की परिषद के अंदर सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा जी। समझ में आई बात? क्लियर है पॉइंट? बहुत बढ़िया, बड़े आगे चलो आ जाओ। सर ये काम हो गए है ना, अब क्या क्या कराया कि केंद्रीय प्रांतीय विधान परिषद का विस्तार कर दिया, कम से कम केंद्र के अंदर 16 होंगे और मैक्सिमम 60 होंगे, प्रांतों में कोई निश्चित नहीं है। फिर कार्यों में वृद्धि कर दी, कार्यों में वृद्धि करके बजट में प्रस्ताव लाने का अधिकार दे दिया, सार्वजनिक मुद्दों के लिए प्रस्ताव लाने का अधिकार दे दिया, अनुपूरक प्रश्न पूछने का अधिकार दे दिया। फिर इसका एक अन्य नाम भी था पार्लियामेंट सुधार अधिनियम, है ना। इसके माध्यम से क्या किया गया कि मुस्लिमों को भारतीय समाज से पृथक कर दिया और मुस्लिमों समुदाय को क्या दे दिया, पृथक निर्वाचन का अधिकार दे दिया। देखो पहली बार पृथक निर्वाचन संबंधी प्रस्ताव यानी प्रावधान आया, अब इसका विस्तार किया जाएगा 1919 में 1935 में। पहली बार कब आया पृथक निर्वाचन, संप्रदायिक निर्वाचन कब, कि सर भारत परिषद अधिनियम 1919 में। क्लियर है? बहुत बढ़िया। फिर कहा कि सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा पहले व्यक्ति थे, कौन, पहले भारतीय व्यक्ति थे, पहले भारतीय नागरिक थे जो वॉइस रॉय की कार्यकारिणी सभा के अंदर, कार्यकारिणी परिषद के अंदर पहले विधि सदस्य बने, पहले भारतीय विधि सदस्य बने, पहले भारतीय विधि सदस्य बने, कौन, एसपी सिन्हा जी यानी सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा जी। समझ पा रहे हो एक पॉइंट? क्लियर है पक्का? चलो अब उम्मीद कर रहा हूं कि आपको आज की क्लास में मजा आ रहा होगा, है ना। अब नेक्स्ट आएगा भारत सरकार अधिनियम। देखो भाई भारत परिषद अधिनियम खत्म हो गए, अब भारत सरकार अधिनियम 1919 चलेगा। अब जिन अभ्यर्थियों द्वारा पूर्व की क्लास अच्छे से देखी गई है वो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करेगी, भाई भारत सरकार अधिनियम 1919 का एक अन्य नाम है वो बताएंगे, भारत सरकार अधिनियम 1919 कि भारत सरकार अधिनियम 1919 का क्या नाम है एक अन्य, भारत सरकार अधिनियम क्या नाम है, कि सर इसका नाम है मॉन्टेग्यू, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड, चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम। क्या नाम है अन्य, कि सर मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम, मॉन्टेग्यू, मॉन्टेग्यू अलग थे, चेम्सफोर्ड अलग थे। अब यहां पे सवाल बनेगा मॉन्टेग्यू कौन थे, चेम्सफोर्ड कौन थे। मॉन्टेग्यू भारतीय सचिव थे, तो चेम्सफोर्ड भारतीय वॉइसरॉय। सर भारतीय सचिव मॉन्टेग्यू थे और भारतीय वॉइसरॉय कौन थे, चेम्स। क्लियर। अब 1919 का भारत सरकार अधिनियम किस लिए लेके आए थे, कि भारत के अंदर एक उत्तरदायी शासन की व्यवस्था का प्रावधान करना है, किस लिए, कि सर उत्तरदायी शासन,
उत्तरदायी शासन की व्यवस्था करने हेतु कहां पे भारत में करने हेतु क्या लाया गया, कि सर भारत सरकार अधिनियम 1919 लाया गया। समझ गए होंगे कि सर उत्तरदायी शासन की व्यवस्था करने हेतु क्या लाया गया, कि भारत सरकार अधिनियम 1919 लाया गया, जिसमें भारत के अंदर अब क्या क्या प्रावधान किए गए अच्छे से समझना। कि सर हमने देखा 1861 के अंतर्गत प्रांतों को स्वायत्ता देना स्टार्ट कर दिया है ना, और फिर हमने देखा कि 1892 के अंतर्गत प्रांतों के अंदर क्या हुआ कि स्वायत्ता देने के लिए अब वहां पर गैर सरकारी सदस्यों को भी बढ़ाने स्टार्ट कर दिए। 1909 में और विस्तार कर दिया, अब प्रांतों को स्वायत्ता प्रदान करने के लिए अब केंद्र को अपना नियंत्रण कम करना होगा प्रांतों पर से, यानी कि सेंटर का यानी केंद्र का प्रांतों पर नियंत्रण का भार कम करने के लिए दो सूचियों का सहारा लिया गया, दो शेड्यूल का सहारा लिया गया। राज्य सूची पर राज्य कानून बनाएगा यानी प्रांतीय सूची है ना, अब सेंटर सूची के माध्यम से सेंटर कानून बनाएगा और प्रांतों पर से अपना भार यानी नियंत्रण कम किया। पहला पॉइंट तो हो गया उत्तरदायी शासन की व्यवस्था। उत्तरदायी शासन क्या होगा कि प्रांतों के अंदर प्रांतों का शासन होगा और केंद्र के अंदर केंद्र का शासन होगा, यानी प्रांतों और प्रांतों और जी केंद्र का जो शासन होगा द्विस्तरीय होगा। द्विस्तरीय कि भाई सेंटर सेंटर के लेवल पर कानून बनाएगा और प्रांतीय यानी प्रांतों के अंदर यानी कि स्टेट लेवल पर कानून बनाएगा। उसके लिए दो शेड्यूल बनाएंगे कौन कौन से कि सेंट्रल लिस्ट और स्टेट लिस्ट। जैसे कि मैंने आपको पहली क्लास में भी अच्छे से जिक्र किया है कि भाई हमारे आज के यानी वर्तमान समय के अंदर जो संविधान है भारत का यानी हमारे देश का, उसमें कौन सी लिस्ट कौन सी अनुसूची के अंतर्गत शक्ति पृथक्करण का प्रावधान है और कितनी अनुसूची आज के टाइम में यानी कितने शेड्यूल हमारे आज के टाइम में बनाए हुए हैं, जैसे कि स्टेट सेंटर और इन दोनों को मिला के कि भाई सेंट्रल लेवल पर यानी केंद्रीय स्तर पर केंद्रीय सूची, राज्य स्तर पर राज्य सूची और एक है संवर्ती सूची। अब इसमें सेंटर और राज्य स्टेट दोनों कानून बना सकते हैं, तो भाई यूनियन लिस्ट और स्टेट लिस्ट, तो एक तो होगी सेंट यूनियन लिस्ट और एक होगी स्टेट लिस्ट, ये होगी कॉन्करेंट लिस्ट। अब भाई सेंट्रल लेवल यानी यूनियन लिस्ट पे यूनियन कानून बनाएगी, स्टेट लेवल पे आपकी स्टेट कानून बनाएगी और कॉन्करेंट लिस्ट पे आपकी सेंटर और स्टेट दोनों कानून बनाएगी। अब मेरा सवाल है ये भारतीय संविधान के कौन से शेड्यूल यानी अनुसूची के अंतर्गत बताया गया है। भाई शक्तियों का बंटवारा है ना, तो अब आप हल्की हल्की झलक देख पा भी रहे होंगे कि भारत के अंदर उत्तरदायी शासन की व्यवस्था हेतु सेंटर के कानून अलग बना दिए और राज्य के कानून अलग बना दिए, यानी कि दो सूची का निर्माण कि प्रांतों केंद्र के लिए केंद्रीय सूची, प्रांतों के लिए प्रांतीय सूची, ठीक है, साथ ही केंद्र का प्रांतों पर से नियंत्रण कम किया जाना। रिटर्न करो फटाफट कि सर दो सूची का निर्माण किया, केंद्र के लिए केंद्रीय सूची, प्रांतों के लिए प्रांतीय सूची और साथ ही केंद्र का प्रांतों पर से नियंत्रण कम किया जाना। क्लियर कि प्रांतों के अंदर प्रांत ही कानून का निर्माण करेंगे और सेंटर में सेंटर कानून का निर्माण करेंगे सेंटर के लिए, ठीक है। फिर नेक्स्ट पॉइंट है कि भाई सेंटर के अंदर यानी केंद्र के अंदर क्या होगा, केंद्र में क्या होगा कि सर केंद्र के अंदर यानी केंद्र में द्विसदनीय व्यवस्था होगी। द्विसदनीय यह व्यवस्था
द्विसदनीय व्यवस्था की, भाई विधान परिषद है ना केंद्र के अंदर, तो वहां पे क्या होगा कि भाई एक तो लोकसभा होगी प्लस राज्यसभा होगी, यानी कि लोअर हाउस। और जी प्लस अपर हाउस। कॉन्सेप्ट क्लियर कि सर अब सेंटर के अंदर द्विसदनीय व्यवस्था होगी, दो सदनों वाला एक दो सदनों को मिलाकर एक परिषद का निर्माण करेंगे जिसके अंदर एक लोअर हाउस होगा और एक अपर हाउस होगा। पहली बार कब आया? भारत सरकार अधिनियम 1919 के अंतर्गत। क्लियर? तो बड़ा आगे भाई कि सर अब क्या हुआ कि अब सेंटर में द्विसदनीय व्यवस्था होगी, साथ ही प्रांतों के अंदर प्रांतों में द्वैत शासन लागू कराया, प्रांतों में द्वैत शासन लागू कराया। कि सर अभी द्वैत शासन क्या जुगाड़ है? मैंने अच्छे से जिक्र कर रखा है कि दो प्रकार का शासन। कैसा कैसा? कि भाई एक तो राजस्व वाला और एक प्रशासन वाला। राजस्व में कोई जिम्मेदारी नहीं है, यानी उत्तरदायी नहीं है, जिम्मेदारी है ना, और इसमें जिम्मेदारी होना। प्रशासन में जिम्मेदारी हो गए, राजस्व कलेक्ट करने के लिए कोई जिम्मेदारी नहीं होती प्रशासन के अंतर्गत, क्योंकि जनता के लिए जवाबदेहिता होता है, तो जन जिम्मेदारी का काम है। तो क्या हुआ कि द्वैत शासन लगाया गया प्रांतों में और दो लिस्ट बनाई गई, कौन कौन सी? रिजर्व लिस्ट यानी आरक्षित और हस्तांतरित। मैंने बताया था कि जो रिजर्व लिस्ट है और ट्रांसफर लिस्ट है, इनके शासन तो करेंगे गवर्नर, परंतु गवर्नर के माध्यम से प्लस जो इसकी यानी कि राजस्व आएगा इसके अंदर, रिवेन्यू यानी कि पैसा इकट्ठा करना, पैसा अपने अंदर रखना, पैसा कलेक्ट करना, क्योंकि भाई ब्रिटेन भेजना है ना, और लौट नहीं तो आए थे ये, तो जब पैसा इकट्ठा करने की बात आएगी तो आरक्षित लिस्ट में, और गवर्नर कार्य करेगा इसका अपनी एग्जीक्यूटिव काउंसिल के माध्यम से, क्लियर? परंतु अब हस्तांतरित में क्या था? बेसिक नीड यानी कि आधारभूत सुविधाएं, जैसे शिक्षा, सफाई है ना, बिजली, पानी, आवास, खाना, भोजन इत्यादि, इनकी पूर्ति के लिए जाहिर सी बात है आम आदमी को क्या चाहिएगा कि भाई रहने के लिए मकान मिल जाए, स्वास्थ्य के लिए मतलब दवाई वाई टाइम पे मिल जाए, बिजली मिल जाए, खाने के लिए खाना मिल जाए, पानी मिल जाए, है ना, रहन सहन के लिए मकान मिल जाए और सड़कें अच्छी मिल जाए, तो इन पे क्या होगा? खर्चा होगा, खर्चा यानी राजस्व यहाँ पे देना पड़ेगा। क्या होगा कि भाई खर्चा होगा, खर्चा देना पड़ेगा। तो यहां से क्या होगा कि अब जनता को जवाब देने के लिए एक विधान परिषद का निर्माण किया गया था, यानी कि लेजिस्लेचर काउंसिल। अब जो लेजिस्लेचर काउंसिल के अंदर गैर सरकारी सदस्य प्लस में सरकारी सदस्य आए हुए हैं ना, निर्वाचित हो गए, तो वे जवाबदेही होंगे किसके प्रति? जनता के प्रति। तो ये जो बेसिक नीड थी ना, ये किसको सौंप दी? ये सौंप दी लॉ मेकर को, है ना, कि भाई ये चुनकर रखे, ये ही इनका काम करेंगे, तो इनकी जवाबदेहिता होगी जनता के प्रति और गवर्नर कार्य करेगा इसके लिए भी इनकी सलाह पर। तो भाई पैसा इकट्ठा करना तो अपने पास रखेंगे, और जहां पे पैसा देना वो दे देंगे जनता के सेवकों को, यानी कि गवर्नर प्लस लेजिस्लेचर काउंसिल, यानी कि विधान परिषद के अंदर जो मंत्री है ना, उनकी सलाह पर गवर्नर कार्य करेगा हस्तांतरित लिस्ट को लेकर, ट्रांसफर लिस्ट के प्रति। तो प्रांतों में द्वैत शासन मेरे हिसाब से बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा, है ना, क्लियर है? देखो ये प्रांतों में द्वैत शासन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। प्रांतों में द्वैत शासन कब लगाया गया? भारत सरकार अधिनियम 1919 के द्वारा। पक्का ना समझ में आ रहा है? चलो
आगे बढ़े, ऊपर का तार लिया होगा कि सर उत्तर, एक बार रिवीजन मार लो फिर इसे रफ करके मैं आगे के पॉइंट बताता हूँ कि सर उत्तरदायी शासन की व्यवस्था कराने के लिए, करने के लिए जो अधिनियम आया था वो भारत सरकार अधिनियम 1919 आया था, और इसका एक अन्य नाम है मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम। क्लियर कि सर इसमें भारतीय सचिव है मॉन्टेग्यू और भारतीय वॉइसरॉय है कौन, आपके चेम्सफोर्ड। क्लियर कि सर इसके अंदर दो सूची बनाई गई, एक राज्य सूची और एक केंद्रीय सूची। अब इसमें क्या किया गया कि प्रांतों पर से केंद्र का नियंत्रण कम करने के लिए दो सूची का निर्माण किया गया, यानी कि अब प्रांतों को स्वायत्तता प्रदान की गई, प्रांतों को स्वायत्तता प्रदान अच्छे से की जाने लगी। क्लियर फिर कहा कि सर इसके अंदर केंद्र में जो है, केंद्र में जो हाउस होगा वो टू हाउस होके एक पार्लियामेंट का निर्माण करेंगे, जो वहां पर विधान परिषद होगी सेंटर में वो दो सदनीय होगी, है ना, कि भाई एक लोअर हाउस यानी निम्न सदन और एक अपर हाउस यानी कि अपर उच्च सदन। ठीक है, जैसे आज के टाइम में हमारी पार्लियामेंट है द्विसदनीय है, तो खाका पेश हो गया 1919 के भारत सरकार अधिनियम द्वारा। फिर किसर प्रांतों में द्वैत शासन लागू किया गया, प्रांतों के अंदर द्वैत शासन लागू किया गया। अब द्वैत शासन दो प्रकार का शासन, जिसमें एक तरफ तो राजस्व हुए, एक तरफ प्रशासन हुए, प्रशासन के प्रति जवाबदेही तो होती है, राजस्व के प्रति जवाबदेही नहीं होती, तो अंग्रेज राजस्व को अपने पास रख लेते हैं और प्रशासन को जनता के सेवकों के द्वारा, जो कि जनता द्वारा चुन के भेजते हैं। तो ऐसे ही इसमें द्वैत शासन में एक रिजर्व लिस्ट बनाई गई आरक्षित, और एक ट्रांसफर लिस्ट यानी हस्तांतरित। यानी आरक्षित मतलब कि रिजर्व रखना यानी कि आरक्षित रखना, किसको रखेंगे, काम को थोड़ा रखेंगे, पैसे को है ना, यानी राजस्व अपने पास रख रहे हैं किसकी सहायता से, गवर्नर रख रहा है एग्जीक्यूटिव काउंसिल की सहायता से, क्योंकि ये गवर्नर की अपनी काउंसिल है। ठीक है ना, फिर ट्रांसफर यानी ट्रांसफर करना है, भेजना है पैसा ट्रांसफर हस्तांतरित, गवर्नर प्लस किसकी सहायता से, जो जनता के प्रति जवाबदेही होगा, जनता द्वारा चुनकर भेजे गए थे कौन, लेजिस्लेचर काउंसिल के अंदर अपने भारतीय गैर सरकारी सदस्य, तो उनकी जवाबदेहिता किसके किसके प्रति होगी, जनता के प्रति, तो जाहिर सी बात है वो हस्तांतरित। और उम्मीद कर रहा हूं इतना आपको बहुत अच्छे समझ में आ रहा होगा, और फिर भी कहीं डाउट रह जाता है ना तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, इसका निर्धारण मैं खुद करूंगा और जल्द ही कर दूंगा। ठीक है, तो जाहिर सी बात है अब हम आगे बढ़ेंगे, इसमें रफ कर रहा हूं मैं, सर अभी तक हमने देखा कि भाई प्रांतों में सेंटर के अंदर अलग अलग सरकार होनी स्टार्ट हो गई, तो जाहिर सी बात है अब क्या होगा कि सर अब एक चीज और स्टार्ट, कि अभी तक हम क्या कर रहे थे कि बजट सेंटर द्वारा पेश किया जा रहा प्रांतों का, सेंटर का बजट संयुक्त रूप से बजट का प्रस्ताव लाया जा रहा था, बजट पेश किया जा रहा था संयुक्त रूप से। चलिए, तो पहली बार क्या हुआ भारत सरकार अधिनियम में 1919 में कि बजट का प्रावधान, बजटीय वितरण बोले तो सेंटर के लिए, सेंटर केंद्रीय बजट है ना, अब प्रांतों के लिए प्रांतीय बजट, यानी कि अब सेंटर अपना बजट लेके आएगा और प्रांत अपना बजट लेगा, यानी बजट का वितरण, यानी बजट अब क्या होगा दो पार्ट में होगा कि भाई प्रांतीय अपना बजट पेश करेंगे और सेंटर अपना बजट पेश करेंगे। क्लियर पक्का, ठीक है। अभी तक क्या हो रहा था हमारे देश में, जो यूपीएससी आपको अच्छे से पता होगा, यूपीएससी में भारतीयों की भागीदारी को निभाने के लिए, भागीदारी बढ़ाने के लिए पहली बार प्रावधान किया गया था, एक प्रयास किया गया था चार्टर एक्ट 1833 के अंतर्गत, परंतु उसमें कोर्ट ऑफ डायरेक्टर के विरोध के कारण कैंसिल करना पड़ा, परंतु पहला अटेम्प्ट में तो फेल होते हैं, हो गया चलो कोई बात नहीं, दूसरे अटेम्प्ट में क्लियर हो गया, यानी 1853 के चार्टर एक्ट के दौरान भारतीयों की सहभागिता सुनिश्चित की गई यूपीएससी लोक सेवा आयोग के अंदर, परंतु अभी परीक्षा कहां दे रहे हैं, अभी परीक्षा दे रहे हैं लंदन में जाके। फिर भारत सरकार अधिनियम 1919 आया और भारत सरकार अधिनियम 1919 के अंतर्गत पहली बार लंदन में होने वाली परीक्षा, यानी लंदन की तर्ज पर होने वाली परीक्षा भारत के अंदर कंडक्ट कराई गई, कब 1926 में, कब आया प्रावधान कि सर भारत परिषद, भारत सरकार अधिनियम 1919 के अंतर्गत आया कि प्रथम यूपीएससी यानी लोक सेवा आयोग की परीक्षा
भारत में आयोजित कराई गई। पहली बार कब हुई? 1926 में। प्रावधान कब है? भारत सरकार अधिनियम 1919 में। भारत सरकार अधिनियम 1919 में। क्लियर है भाई? समझ में आ रहा है टॉपिक पक्का? तो जाहिर सी बात है, एक आयोग भी बनेगा। एक आयोग का निर्माण कब हुआ? 1926 में। परंतु यूपीएससी यानी कि भारत लोक सेवक, उस टाइम इसका नाम था आईसीएस, इंडियन सिविल सर्विस, भारतीय नागरिक सेवा का प्रावधान। देखो भाई, इन नामों को अच्छे से साक्षात आत्मसात करना बहुत जरूरी है, क्योंकि बोल दिया यूपीएससी ने, बोल के आईसीएस बोल दिया, आईसीएस ने बोल के क्या बोल दिया कि भारतीय नागरिक सेवा, क्योंकि इंडियन सिविल सर्विस। क्लियर? समझ में आ गया? चलो, क्या गया कि बजट का प्रावधान अलग अलग कर दिया, बजट अलग अलग हो गए, सेंटर का जी प्रांतों का बजट बांट दिया, और यूपीएससी की भी घोषणा कर दी कि लंदन में होने वाली जो परीक्षाएं हैं वो अब भारत में भी आयोजित कराई जाएंगी। क्लियर? अच्छे समझ में आया पक्का? अगर फिर भी कहीं डाउट हो कमेंट बॉक्स ओपन है, कमेंट करें। चलो भाई, अब भारत परिषद अधिनियम, वो भारत सरकार अधिनियम 1935। कौन सा? भारत सरकार अधिनियम 1935। भारत सरकार अधिनियम में क्या हुआ भाई कि जो कार्य उत्तरदायी शासन, उससे पहले हम क्या करेंगे, कुछ देखेंगे कि भाई उससे और 1935 के बीच में कुछ घटनाएं घटी थी। क्या क्या घटनाएं घटी थी कि सर 1935 के बीच में 19 में, हाँ, एक प्रावधान और था कि 10 वर्षों के पश्चात एक वैधानिक आयोग आएगा समीक्षा करने, किसकी? भारत सरकार अधिनियम 1919 की। ये भी लिख लियो कि भारत सरकार अधिनियम की 1919 की जांच करने हेतु, संवैधानिक जांच करने हेतु क्या आएगा? एक वैधानिक आयोग का गठन किया जाएगा 10 वर्षों के पश्चात। लिख लो कि सर भारत सरकार अधिनियम 1919 में एक प्रावधान यह किया गया कि 10 वर्षों के पश्चात एक वैधानिक आयोग आएगा जो कि भारत सरकार अधिनियम 1919 की संवैधानिक जांच करेगा। क्लियर? परंतु वो कब आया था कि 1935 के बीच में घटनाएं घटित क्या हुई कि सर कि 1919 की संवैधानिक जांच करने के लिए 1929 यानी 10 वर्षों पश्चात एक वैधानिक आयोग आया था, परंतु वो 1929 में आ गया। कब आ गया? 1927 में आ गया। क्या नाम था? साइमन कमीशन। ठीक है, क्लियर है? अब इसने क्या कहा कि जो प्रांत यानी एक तो द्वैशासन लगा रखा, द्वैशासन प्लस द्विसदनीय व्यवस्था स्वायत्ता, किसको? प्रांतों को, प्रांतीय स्वायत्ता इत्यादि जो कार्य किए गए थे ना 1919 में, इनको बढ़ावा। एक पॉइंट तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था भाई, वो तो भूल ही गया, कोई नहीं, लिखो। 1919 में एक काम होता कि हमने पढ़ा पृथक निर्वाचन जो था ना, पृथक निर्वाचन कब आया था पहली बार? पृथक निर्वाचन का प्रावधान 1919 के भारत परिषद अधिनियम में आया था, परंतु 1919 के भारत सरकार अधिनियम में इसका विस्तार कर दिया। क्या कर दिया कि पृथक निर्वाचन का विस्तार कर दिया। कौन कौन से समुदाय? कि भाई मुस्लिमों को सबसे पहले दिया गया था भारत परिषद अधिनियम 1909 में, परंतु 1919 में किसे दिया गया? कि सर सिख समुदाय को दिया गया, ईसाई समुदाय को दिया गया, भारत के अंदर जो है यूरोपियन जो यूरोप से आए हुए हैं यूरोपियनों को दिया गया, प्लस किसे दिया गया? भारतीय आंगल समुदाय को पृथक निर्वाचन का अधिकार दिया गया। क्या
क्या हुआ कि सर पृथक निर्वाचन का अधिकार सिखों को दिया गया, ईसाई को दिया गया, यूरोपियन यानी भारतीय ईसाई, भारतीय यूरोपियन और भारतीय आंगल समुदाय को दिया गया। अभी भारतीय आंगल क्या जुगाड़ है भाई? भारतीय आंगल वो समुदाय है जो कि यूरोप से आए हुए भारत के अंदर भारतीयों के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित कर उत्पन्न संतानों द्वारा बनाया गया समुदाय भारतीय आंगल समुदाय कहलाया भारत के अंदर। क्लियर? चलो तो इसने क्या किया साइमन कमीशन ने कि सर द्विशासन द्विसदनीय व्यवस्था प्रांतीय स्वायत्ता प्लस पृथक निर्वाचन का पृथक निर्वाचन जो व्यवस्था की गई थी इसको बढ़ा दिया जाए, यानी कि इसका प्रशंसा की और कहा कि इसे लागू किया जाए। और एक श्वेत पत्र जारी किया गया श्वेत पत्र पे ये सारी सिफारिश थी। और कब सिफारिश पेश करी इसने? 1930 में। किसने? साइमन आयोग ने। क्लियर है? चलो फिर 1930 खत्म हो गया। अब एक काम हो कि सर 1930 के पश्चात गोलमेज सम्मेलन हुए तीन, और भारत के अंदर जो अनेकों समुदाय थे उन समुदाय के प्रतिनिधि किया अलग अलग सदस्यों द्वारा, तो वे ब्रिटेन के अंदर गए और रैमजे मैकडोनाल्ड ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे और उन्होंने क्या किया एक सांप्रदायिक अवार्ड की घोषणा की 1932 में। 1932 में क्या किया एक सांप्रदायिक अवार्ड की घोषणा की, कॉम्युनल अवार्ड की घोषणा की 1932 में, और उसमें दलितों को वोटिंग राइट का अधिकार दिया गया, वोट मतलब पृथक निर्वाचन का अधिकार दिया गया दलितों को। तो इससे नाराज हुए गांधी जी और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सदस्य। तो गांधी जी जो थे यरवदा जेल पूना के अंदर कैद थे, तो बाबा भीमराव अम्बेडकर जी और गांधी जी की मीटिंग कराई गई भारतीय कांग्रेस सदस्यों द्वारा, और गांधी जी द्वारा बाबा भीमराव अम्बेडकर जी को सहमत कर लिया गया जिससे कि दलितों के लिए जो पृथक निर्वाचन का अधिकार था उसे कहीं ना कहीं स्थगित कर दिया, और दलितों के लिए लोकसभा यानी कि केंद्रीय स्तर पर और प्रांतीय स्तर पर कुछ सीटें रिजर्व यानी कि आरक्षित की गई। ठीक है, क्लियर है? तो ऐसे एक आया अलग से 1932 में सांप्रदायिक अवार्ड। क्लियर? फिर 1932 में पूना पैक्ट आया। पूना पैक्ट किस लिए था कि सर कि गांधी जी द्वारा अम्बेडकर को सहमत करना। क्लियर है? चलो इतना खत्म। अब जो 1930 में साइमन कमीशन ने अपनी रिपोर्ट दी, 1932 में कॉम्युनल अवार्ड आया, तो इन्होंने जो ये घटनाएं घटी और जो इन्होंने अपने प्रस्ताव पेश किए वे सारे सुझाव के रूप में क्या हुआ 1935 में भारत सरकार अधिनियम के अंतर्गत समाहित किए गए। 1935 का भारत सरकार अधिनियम के अंतर्गत ये साइमन कमीशन की रिपोर्ट और संपदाय का अवार्ड संबंधी जो और गोलमेज सम्मेलन द्वारा जो भी प्रावधान किए गए थे सारे के सारे भारत सरकार अधिनियम 1935 में समाहित किए गए। और भारत सरकार अधिनियम 1935 बहुत बड़ा दस्तावेज था जिसके अंदर 321 धाराएं प्लस 10 शेड्यूल अनुसूचियां थी। 321 धाराएं और 10 अनुसूचियां थी। क्लियर? अभी तक का सबसे बड़ा दस्तावेज था। क्लियर? दूसरा पॉइंट इसने कहा कि अब सेंटर के लिए अब एक अखिल भारतीय संघ का निर्माण किया जाए कि अखिल भारतीय संघ का निर्माण किया जाए, और इसमें क्या क्या हो कि एक तो ब्रिटिश प्रांत होंगे प्लस में रियासतें होंगी। भाई तो एक बार बताओ, रियासतें जो कि स्वतंत्र है ना, स्वतंत्रता फील करती हैं ब्रिटिश शासन के अंतर्गत, तो क्या वो इसे लागू करेंगी? नहीं ना, तो इसलिए अखिल भारतीय संघ की स्थापना का प्रावधान तो कर दिया परंतु इसे लागू नहीं किया गया। क्लियर? तो इसे लागू नहीं किया गया क्योंकि उन्हें अपनी स्वतंत्रता कानून स्वीकार ही नहीं था। क्लियर? कि भाई एक अखिल भारतीय संघ की स्थापना का प्रावधान किया गया जिसमें ब्रिटिश प्रांत होंगे यानी भारत के अंदर भारत में
भारतीय ब्रिटिश प्रांत और रियासतों की यानी राजे रजवाड़े। चलिए फिर कहा कि भाई सोची का निर्माण करो, सोची जो मैंने आपको बताई थी केंद्रीय सोची राज्य यानी प्रांतीय प्लस में क्या होगा बताओगे फटाफट कि सर संवर्ती सूची का निर्माण कर दिया है ना, और अखिल भारतीय संघ कर दिया, सूची का निर्माण कर दिया और द्वैत शासन, द्वैत शासन की व्यवस्था प्रांतों से खत्म, केंद्र में लगा दी, केंद्र में लागू प्रांतों में समाप्त। देखो भाई द्वैत शासन कब लागू हुआ, पहली बार तो कब हुआ, पहली बार इसे पहली बार 1765 में हुआ लॉर्ड क्लाइव द्वारा, हटाया कब गया कि 1772 में, फिर दोबारा फिर स्टार्ट हुआ कि सर 1784 में स्टार्ट हुआ, और हटाया कब गया 1858 में हटाया गया है ना, 1858 में हटाया गया। फिर तीसरा कब हुआ कि सर प्रांतों में 1919 के अंतर्गत हुआ और 1935 में हटा दिया और सेंटर में 1935 में लागू कर दिया कि सर द्वैत शासन केंद्र में लागू कर दिया और प्रांतों में समापन कर दिया। क्वेश्चन यहां से फ्रीक्वेंटली पूछ लिया जाता है कि केंद्र के अंदर द्वैत शासन कौन से अधिनियम द्वारा लगाया गया और साथ ही प्रांतों के अंतर्गत द्वैत शासन कौन से अधिनियम द्वारा लगाया गया, तो उसमें आंसर यह होगा कि भारत सरकार अधिनियम 1935 प्लस 1919, तो सेंटर के अंदर 1935 में और प्रांतों में 1919। फिर पूछ लेगा कि भारत सरकार के कौन से अधिनियम द्वारा प्रांतों में से द्वैत शासन हटाया गया, तो आपका क्या जवाब होगा कि सर भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत क्या केंद्र में से क्या हटाया गया कि द्वैत शासन हटाया गया। क्लियर, नेक्स्ट, समझ में आ रहा होगा आपको अच्छे से, मजा आ रहा होगा ना, मजा लो मजे में एकदम। क्लियर, प्रांतों में हटा दिया, अब क्या हुआ भाई, अब इन्होंने कहा, हमने देखा कि 1919 में क्या हुआ था कि सर द्विसदनीय व्यवस्था, यानी कि अब भी भारत के अंदर सेंटर पर द्विसदनीय व्यवस्था लागू है, परंतु प्रांतों के अंदर अभी 11 प्रांत है, 11 प्रांत में से 6 प्रांतों के अंदर क्या लागू है द्विसदनीय व्यवस्था, कि भाई सर 11 प्रांतों में से 6 प्रांतों के अंदर, 6 प्रांतों में द्विसदनीय व्यवस्था है। अभी 6 प्रांत कौन कौन से, बॉम्बे, बंगाल, बिहार, मद्रास, संयुक्त सीमा प्रांत, आसाम। कि सर बॉम्बे, बंगाल, बिहार, मद्रास, संयुक्त सीमा प्रांत और आसाम, कि सर रिवीजन मारो फटाफट, कि सर बॉम्बे, बिहार, बंगाल, मद्रास, संयुक्त सीमा प्रांत, आसाम, कि सर 6 राज्यों के अंदर 6 ऐसे राज्य हैं जहां पे क्या होंगे कि सर 6 ऐसे राज्य हैं जहां पे द्विसदनीय व्यवस्था है। क्लियर भाई, छठा पॉइंट पे आ जाओ रे फटाफट, छठे पॉइंट पे क्या है वो कि सर द्वैत शासन लगवा दिया है सेंटर में, प्रांतों में से हटा दिया, सूची का निर्माण करवा दिया जिसमें 3 सूची हैं, कौन कौन सी, राज्य सूची, केंद्रीय सूची और समवर्ती सूची। अब समवर्ती सूची में मैंने आपको अच्छे से बताया था कि समवर्ती सूची के अंदर केंद्र और राज्य दोनों कानून बना सकते हैं। फिर नेक्स्ट है भाई कि सर अब एक संघीय न्यायालय का प्रावधान किया गया कि सर एक संघीय न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट की व्यवस्था की गई। ठीक है, क्या किया गया कि सर एक अब सुप्रीम कोर्ट की व्यवस्था की गई, तो क्या किया गया कि सर एक संघीय कोर्ट की स्थापना की गई। अब आप एक चीज बताओ कि संघीय कोर्ट यानी सुप्रीम कोर्ट, अब भारत का एक संघीय कोर्ट होगा है ना, अखिल भारतीय संघ होगा और उसका एक सुप्रीम कोर्ट होगा, परंतु इसका प्रावधान सबसे पहले कब किया गया था कि सर 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के अंतर्गत
एक इंपीरियल कोर्ट यानी संघीय कोर्ट की व्यवस्था का प्रावधान किया गया, जिसके अंदर सर जॉर्ज इम्पे प्लस 3 अन्य सदस्य होंगे। परंतु अब क्या कर रहा है, वो बंगाल यानी 3 प्रेजिडेंसी थी, प्रोविंस थे कि बंगाल, बॉम्बे और मद्रास, पर अब पूरे भारत की यानी ऑल इंडिया की बात कर रहे हैं, ऑल इंडिया संघ है ना, अखिल भारतीय संघ, उसका एक संघीय न्यायालय होगा। ठीक है, कौन से एक्ट के अंतर्गत आया कि सर भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत आया, समझ पा रहे हो, 1935 के अंतर्गत आया। और गठन कब किया गया कि सर 1937 में किया गया। क्लियर है, बढ़िया, अच्छे से, ठीक है। फिर कि सर एक और पॉइंट कि सर अब भाई हमने क्या किया 1919 में बजट का प्रावधान कि भाई सेंटर वाले अपना बजट अपना बनाओगे, स्टेट वाले अपना बजट अपना बनाओगे, तो अब बजट संबंधी प्रावधान तो कर दिए, अब फाइनेंस संबंधी एक सेंटर लेवल पे एक संघीय बैंक की व्यवस्था का प्रावधान करना था, तो पहली बार संघीय बैंक की व्यवस्था का प्रावधान भारत सरकार अधिनियम 1935 में किया गया कि एक रिजर्व बैंक होना चाहिए, एक संघीय बैंक होना चाहिए जिसका नाम आरबीआई होगा, यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी कि आरबीआई, आरबीआई की स्थापना कौन से अधिनियम के अंतर्गत आई कि भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत भारतीय यानी वित्तीय समावेशन, वित्तीय क्षेत्र के लिए क्या किया गया, आरबीआई यानी कि एक संघीय बैंक यानी कि भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना की गई। क्लियर, अच्छे से, पक्का ना, बहुत बढ़िया, चलो आगे बढ़ो भाई एकदम। अब एक काम करो, पहले यहां तक रिवीजन मार लो है ना, फिर उसके पश्चात आगे बढ़ रहा हूं कि सर जो भारत सरकार अधिनियम 1935 आया उसमें 321 धाराएं प्लस 10 अनुसूची थी, साथ में इसका क्या किया कि एक अखिल भारतीय संघ का गठन किया जाएगा जिसके अंदर ब्रिटिश प्रांत यानी भारत के अंदर जो ब्रिटिश प्रांत होंगे और रियासतें होंगी उनको इंक्लूड करके क्या किया जाएगा कि सर एक अखिल भारतीय संघ की स्थापना की जाएगी, जो कि स्थापित नहीं हो पाया, कारण कि रियासतें जो थी, जो राजा रजवाड़े थे वो खुश नहीं थे। फिर कहा कि सर इसके अंतर्गत क्या हुआ कि सेंटर का केंद्र पर नियंत्रण समाप्त किया गया, यानी सेंटर को यानी प्रांतों को पूर्ण स्वायत्ता प्रदान की गई, और केंद्रीय सूची, सेंट्रल लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट यानी 3 सूचियों का निर्माण किया गया। फिर कि सर अब द्वेष शासन प्रांतों में से समाप्त करके कि सर प्रांतों में समाप्त किया और केंद्र के अंदर द्वेष शासन लगा दिया। द्वेष शासन कब लागू किया गया, 1935 भारत सरकार अधिनियम, कि सर जो द्विसदनीय व्यवस्था थी, सर जो द्विसदनीय व्यवस्था थी प्रांतों में, जो 11 प्रांत थे ना उसमें से 6 प्रांत ऐसे थे कि सर 11 प्रांतों में 6 प्रांत ऐसे थे जिनके अंदर द्विसदनीय व्यवस्था का आयोजन किया गया। अब वो 6 प्रांत कौन कौन से थे, फटाफट रिवीजन मारो मेरे साथ, कौन कौन से थे बताओ, फटाफट कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ, लिखोगे अपने हाथों कष्ट दोगे तो बढ़िया रहेगा, अभी कष्ट दे लो फिर बाद में कष्ट नहीं उठा पाओगे, अभी कष्ट दोगे तो प्रयास हो जाएगा, है ना, तो अभी लिखो कमेंट बॉक्स में कि सर बंगाल, बॉम्बे, बिहार, मद्रास, संयुक्त सीमा प्रांत, साथ में असम, बंगाल, बॉम्बे, मद्रास, बिहार, संयुक्त सीमा प्रांत, असम, ये 6 ऐसे राज्य थे जहां पे भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत क्या किया गया कि 11 में से 6 राज्यों के अंदर द्विसदनीय व्यवस्था यानी कि विधानसभा और विधान परिषद, विधानसभा और विधान परिषद। तो आपके लिए एक छोटा सा सवाल यह है कि वर्तमान समय में यानी कि आज के समय में भारत के ऐसे कितने राज्य हैं जहां पे द्विसदनीय व्यवस्था है, द्विसदनीय यानी 2 सदनों वाली व्यवस्था है कि जहां पे विधानसभा और विधान परिषद रहेगी आज भी, तो इसका जवाब आप फटाफट कमेंट बॉक्स में देंगे और गूगल, गूगल का यूज करेंगे, और पता जैसे वो तो डायरेक्ट दे देगा, और भाई मोबाइल जो है ना मोबाइल का सदुपयोग करना सीख लो, क्योंकि मोबाइल के माध्यम से आप इस तैयारी को बहुत बेटर तरीके से कर सकते हो, मोबाइल का सदुपयोग करोगे तो बढ़िया रहेगा, दुरुपयोग तो भाई करते ही हो, तो सदुपयोग ही करो, उससे देखो कि भाई भारत के अंदर ऐसे कितने राज्य हैं जहां पे द्विसदनीय व्यवस्था है, साथ ही ये भी देखना है आपको भारत के ऐसे कितने राज्य हैं जिनके अपने न्यायालय हैं, भारत के ऐसे कितने राज्य हैं जिनके पास अपने खुद के न्यायालय हैं, साथ ही ये क्वेश्चन हो कि भारत के ऐसे कितने संघीय क्षेत्र हैं यानी केंद्र शासित प्रदेश हैं
केंद्र शासित प्रदेश हैं जिनके पास अपने खुद के न्यायालय हैं। ये न्यायालय का मतलब यहाँ पे हम स्टेट की बात कर रहे हैं और केंद्र शासित प्रदेश यानी कि यूनियन टेरिटरी की हाई कोर्ट की। ऐसे कितने यूनियन टेरिटरीज हैं भारत के अंदर जिनका अपना खुद का हाई कोर्ट है, साथ ही ऐसे कितने राज्य हैं जिनका अपना खुद का हाई कोर्ट है, तो ये कमेंट बॉक्स में करोगे कमेंट, साथ ही जिसे नहीं पता गूगल का यूज करोगे। क्लियर। फिर कहा कि भाई संघीय न्यायालय की स्थापना कब हुई, कि सर अखिल भारत का एक संघीय न्यायालय होगा जिसका निर्माण, जिसकी स्थापना का प्रावधान भारत सरकार अधिनियम 1935 में किया गया, परंतु कब बनेगा, सर 1937 के अंतर्गत बनाया गया। क्लियर। कि सर भारत के अंदर सेंटर और प्रांत यानी केंद्रीय स्तर पर और प्रांतीय स्तर पर क्या किया गया, कि सर अभी तक बजट का प्रावधान तो वितरित कर दिया कि सेंटर अपना बजट बनाओगे और प्रांत अपना बजट बनाओगे, परंतु फाइनेंशियल इंक्लूजन मतलब कि वित्तीय समावेशन यानी बैंकों की व्यवस्था के लिए भारत का एक संघीय अखिल भारतीय संघ का एक संघीय बैंक का निर्माण करने के लिए एक बैंक का निर्माण किया गया जिसका नाम भारतीय रिजर्व बैंक रखा गया, यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का निर्माण की स्थापना कौन से एक्ट के द्वारा हुई, भारत सरकार अधिनियम 1935। अच्छे समझ में आ रहा होगा पक्का ना। मैंने बताया कि द्वैत शासन पहली बार 1765 में लॉर्ड क्लाइव द्वारा, वारन हेस्टिंग्स द्वारा 1772 में हटाया गया, साथ में 1784 में पीट सिटी एक्ट द्वारा लगाया गया, भारत सरकार अधिनियम 1858 में हटाया गया, फिर 1919 में प्रांतों में लगाया गया, 1935 में प्रांतों में से हटा के सेंटर पर लगाया गया। तो भाई मैं अब आगे बढ़ूंगा। देखो भाई 1858 के अंदर भारत सरकार अधिनियम 1858 के अंतर्गत एक व्यवस्था की गई थी कि भारतीय सचिव होगा, भारत का एक सचिव होगा, है ना, की गई थी, परंतु यह भी कहा गया था कि भारतीय सचिव के लिए भारत में एक 15 सदस्यों की एक भारत परिषद का गठन भी कराया गया था जिसकी सलाह पर भारतीय सचिव कार्य करेगा। कहा था मैंने कि सर 15 सदस्यों की एक टीम होगी, 15 सदस्यों की एक परिषद होगी, क्या काम करेगी कि वो भारतीय सचिव को सलाह देगी। ठीक है, तो नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारा, 15 सदस्य परिषद का समापन, 15 सदस्यों की टीम जो थी उनका समापन कौन से एक्ट के द्वारा किया गया, किसके लिए दियो, भारतीय सचिव के लिए। कब समापन किया गया, कि सर इसका समापन भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत किया गया। ठीक है भाई, समापन कर दिया। कारण कि सर अब भारतीय सचिव जो था ना, इसके लिए क्या किया गया, इसके लिए जो सलाहकार टीम थी ना वो लंदन में ही ढूंढ ली, कि लंदन के अंदर ही एक सलाहकार परिषद का गठन कर दिया, इसलिए भारत के अंदर जो 15 सदस्य टीम थी, 15 सदस्यों की एक सलाहकार टीम थी, उसका समापन कर दिया। क्लियर, पक्का, चलो। फिर आरबीआई हो गया, 15 सदस्यों की टीम का समापन हो गया, साथ ही हमने कहा था कि लोक सेवा आयोग की परीक्षा का आयोजन पहली बार भारत के अंदर 1919 भारत सरकार अधिनियम में कराया गया। अब क्या हुआ कि सर भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत अखिल भारतीय संघ के लिए क्या किया कि सर एक यूपीएससी होगा आईसीएस की कंडक्ट कराने के लिए, एक सेंटर पे एक यूपीएससी यानी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, यानी अखिल भारतीय संघ आयोग की स्थापना का प्रावधान किया गया, साथ ही राज्य स्तर पर पब्लिक सर्विस कमीशन लोक सेवा आयोग साथ ही जेपीएससी, अब जे का मतलब संयुक्त यानी ज्वाइंट संयुक्त लोक सेवा आयोग
साथ ही जेपीएससी, देखो भाई अभी तक हम देख रहे थे आईसीएस, आईसीएस की परीक्षाएं कंडक्ट कराई गई भारत के अंदर, उसके लिए एक आईसीएस आयोग बनाया गया, आईसीएस आयोग आईसीएससी, आईसीएससी 1919 में, जो कि 1926 में बनाया गया। फिर कहा अब एक अखिल भारत संघ की स्थापना तो होगी का प्रावधान हो गया, अब उसके लिए एक अखिल भारतीय संघ लोक सेवा आयोग, अखिल भारतीय संघ, अखिल भारतीय लोक सेवा आयोग, अखिल भारतीय के लिए लोक सेवा आयोग का गठन किया गया संघ लेवल पे, संघ लेवल पे यूपीएससी, अब राज्य के स्तर पे यानी प्रांतों के स्तर पे पीसीएस, पीएससी, पीएससी पब्लिक सर्विस कमीशन, यानी जैसे उत्तर प्रदेश का उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन, मध्य प्रदेश का मध्य प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन, बिहार का बीपीएससी, बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन, यूके का यानी उत्तराखंड का उत्तराखंड पब्लिक सर्विस कमीशन, इत्यादि राज्यों को लेकर अलग से क्या बनाया गया, एक अलग अलग प्रांतों के लिए लोक सेवा आयोग का गठन किया गया, यानी पीसीएस का गठन किया गया। परंतु साथ में क्या किया गया, साथ ही क्या किया गया कि सर दो या दो से अधिक राज्य मिलकर अगर राष्ट्रपति को या वॉइस रॉय है अभी तो यहां पे सिफारिश करते हैं क्या कि सर हमारे दो या दो से अधिक राज्यों के लिए एक ज्वाइंट लोक सेवा आयोग बनाओ, तो क्या करेंगे जेपीएससी संयुक्त यानी ज्वाइंट पब्लिक सर्विस कमीशन का गठन किया जाएगा। तो इन तीनों का प्रावधान कौन से एक्ट में आया, भारत सरकार अधिनियम 1935 में आया। उम्मीद कर रहा हूं अच्छे समझ गए होंगे, और नहीं समझ में आए ना तो रिपीट कर लियो, और कहीं डाउट हो ना, अगर कहीं भी समझ नहीं आया, डाउट हो गया तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मैं समझाऊंगा फिर दोबारा से। क्लियर हो गया 1935 का। अभी 1919 में ना एक पॉइंट रह गया था भाई, उसे भी नोट कर लियो, 1935 में एक पॉइंट रह गया था, 1919 का भारत सरकार अधिनियम का एक पॉइंट रह गया था, वो भी नोट कर लियो। लेक्चर देखने में मजा आ रहा है ना, इंटरेस्टिंग लग रहा है ना लेक्चर, है ना, ठीक है। तो भाई 1919 में एक पॉइंट रह गया था कि सर एक उच्चायुक्त बनाया जाएगा लंदन के अंदर, कि सर एक उच्चायुक्त का गठन किया जाएगा लंदन में, गठन कहां पे, लंदन के अंदर एक भारतीय उच्चायुक्त का गठन लंदन में, है ना, किस लिए किया गया। अब भारतीय उच्चायुक्त यानी इंडियन हाई कमिश्नर, इंडियन हाई कमिश्नर का गठन किया गया लंदन के अंदर। कारण कि भाई क्या हो रहा था, भारतीय सचिव जो है ना इन पर कार्यभार ज्यादा हो रहा था, इनके कार्यभार को बांटने के लिए, इनके कार्यभार को कम करने के लिए क्या किया गया, इनके कार्यभार को कम करने के लिए क्या किया कि एक भारतीय उच्चायुक्त की लंदन में क्या किया, नियुक्ति कर दी, जिससे कि भारतीय सचिव का कार्यभार बढ़ सके और उच्चायुक्त के पास अलग कार्य हो जा और सचिव के पास अलग कार्य हो जा। आप देख रहे होंगे 1919 में भारतीय सचिव का कार्य बांट दिया, 1935 में भारतीय सचिव की जो भारत के अंदर 15 सदस्यों की टीम थी उसे समापन कर दिया, कारण कि लंदन में ही उसे एक टीम प्राप्त हो गई थी। क्लियर, समझ में आ गई। तो चलो अब बात आ गई, आखिरी टॉपिक है हमारा क्या, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947, भारतीय 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 स्वतंत्रता अधिनियम 1947। इसमें कुछ प्रावधान किए गए, क्या क्या प्रावधान किए गए भाई, जैसे कि इसके माध्यम से पहला प्रावधान तो यह किया गया कि दो स्वतंत्र संप्रभु राष्ट्रों की स्थापना की घोषणा, दो स्वतंत्र राष्ट्र कौन कौन से होंगे, भारत प्लस पाकिस्तान,
ठीक है। अब भाई यहाँ पर संप्रभु आ गया। अब ये जो सॉवरनिटी है ना, यानी संप्रभु, अब जो नेक्स्ट चैप्टर होगा ना, यानी कि संविधान सभा का निर्माण कैसे हुआ, फिर संविधान कैसे बना, उसमें उद्देशिका यानी प्रिंबल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, फिर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, ये सभी नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट होगा, उसमें मैं कराऊंगा, है ना। बहुत अच्छे से डिस्कस करूंगा संप्रभु क्या है, है ना। फिर भी छोटा सा बता दो, संप्रभु यानी कि स्वयं के निर्णय लेने की क्षमता, है ना। हमारे निर्णय दूसरे ना लेके हम खुद निर्णय लें, जैसे हमारा देश है भारत, है ना, स्वतंत्र है, संप्रभु है। हम अपने देश के लिए पॉलिसी खुद आत्मनिर्भर हैं, पॉलिसी बनाने के लिए हमें किसी के डिसीजन की या किसी के आदेश की जरूरत नहीं है कि भाई अब यूएसए के प्रेशर में आकर हम अपनी पॉलिसी चेंज कर दें। नहीं, हम स्वतंत्र हैं, हम स्वतंत्र होकर पॉलिसी बनाते हैं, विदेश नीति में भी और भारत के अंदर जो गतिविधि होती है उसमें भी हम स्वतंत्र हैं। हमें किसके साथ व्यापार करना है इससे भी हम स्वतंत्र हैं। हम एकदम फ्री हैं कि हमें किससे कैसे संबंध रखने हैं, तो इसके लिए पॉलिसी का निर्माण करना और किसी का दबाव ना लेना, है ना, तो इसे बोलते हैं संप्रभु। तो आने वाले टाइम में जो लेक्चर होंगे, वो जो चैप्टर होगा ये, वो मैं कराऊंगा, तो तब डिस्कस करेंगे, ठीक है। कि क्या कहा कि दो स्वतंत्र संप्रभु होंगे, राष्ट्र की घोषणा की गई कि कौन कौन से, भारत, पाकिस्तान। अब ब्रिटेन वालों ने अपना आधिपत्य हटा दिया और कहा कि दो स्वतंत्र राष्ट्र घोषित किए गए, भारत और पाकिस्तान। फिर दूसरा कि सर इनके अंदर एक संविधान सभा का निर्माण किया जाएगा, संविधान सभा द्वारा संविधान का निर्माण का अधिकार साथ ही प्लस किसी भी देश के संविधान की कॉपी करने का या फिर अपनाने के लिए स्वतंत्र होंगे। कहने का मतलब, अब ये दोनों राष्ट्र संप्रभु हैं, स्वतंत्र हैं, इन पर किसी भी तरह का ब्रिटिश का कोई अधिकार नहीं है। अब इनकी संविधान सभा इनके लिए संविधान का निर्माण करेगी, उसका अधिकार इन्हें है। और साथ ही किसी भी देश की संविधान की कॉपी मारे या किसी का देश का संविधान अपना ले, तो ये संप्रभु है, यानी स्वतंत्र है, इन पर हमारा किसी का कोई अधिकार नहीं। अब ये अपनी मर्जी से अपने देश के लिए कुछ भी करे, कहीं कहीं संविधान अपनाए, ठीक है, क्लियर। बढ़िया, क्या साथ ही भारत सचिव के पद का समापन किया गया। देखो भाई, सचिव क्या कार्य कर रहा था, सचिव के लिए एक काउंसिल थी 15 सदस्यों की, पहले तो वह समाप्त की, कौन से एक्ट के द्वारा, भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा। फिर अब भारत सचिव, पहले तो कार्यभार बांट दिया 1919 के द्वारा कि एक उच्चायुक्त बनाया गया। फिर दूसरा कि भाई अब इसकी काउंसिल परिषद का समाप्त कर दी, कारण कि अब लंदन में ही इसकी काउंसिल मिल गई सलाहकार। फिर अब 1947 में क्या गया, राज्य सचिव का भारतीय सचिव ही समाप्त कर दिया, क्लियर। फिर वायसराय के पद का समापन प्लस में वायसराय पद का समापन किया गया प्लस ही एक नया पद का सर्जन किया गया। नया पद क्या है, गवर्नर जनरल, गवर्नर जनरल पद का निर्माण किया गया, गवर्नर जनरल पद का निर्माण किया। देखो भाई, गवर्नर जनरल, अब जो स्वतंत्र राष्ट्र है ना दो, इनके अंदर एक नए पद का सृजन किया गया जो हाई होगा गवर्नर जनरल। जैसे कि भारत इंडिया का गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कहलाएगा, पाकिस्तान का गवर्नर जनरल ऑफ पाकिस्तान कहलाएगा, है ना, समझ पा रहे। वायसराय का पद समाप्त करके क्या बनाएगा, गवर्नर जनरल। गवर्नर जनरल किसका होगा, ब्रिटेन का भी, वो इंडिया का भी कहलाएगा, और इंडिया का होगा तो इंडिया का कहलाएगा, पाकिस्तान का होगा तो पाकिस्तान का कहलाएगा, है ना, क्लियर।
अब 22 गवर्नर जनरल की नियुक्ति कौन करेगा? नियुक्ति बाय किसके द्वारा? क्राउन के द्वारा। नियुक्ति बाय क्राउन यानी कि ब्रिटिश की जो महारानी है उनके द्वारा गवर्नर जनरल की नियुक्ति की जाएगी। बट लेकिन एडवाइजर यानी एडवाइजरी बाय कैबिनेट ऑफ स्वतंत्र राष्ट्र मतलब गवर्नर जनरल जो हो गए ना हाईएस्ट पोस्ट ऑफ स्वतंत्र राष्ट्र मतलब कि भारत का गवर्नर जनरल हो गया पाकिस्तान का, तो उस गवर्नर जनरल की नियुक्ति कौन करेगा? क्राउन द्वारा कराई जाएगी। ब्रिटिश क्राउन द्वारा कराई जाएगी, परंतु एडवाइजरी बाय कैबिनेट ऑफ स्वतंत्र राष्ट्र मतलब जो स्वतंत्र राष्ट्र होगा, जैसे हम भारत की बात कर रहे हैं तो भारत के अंदर जो कैबिनेट होगी, भारत की कैबिनेट की सलाह पे ब्रिटिश क्राउन द्वारा भारत के गवर्नर जनरल की नियुक्ति की जाएगी। समझ में आई बात? क्लियर है? अब पाकिस्तान स्वतंत्र हो गए, पाकिस्तान की कैबिनेट की सलाह पे ब्रिटिश क्राउन द्वारा पाकिस्तान के गवर्नर जनरल की नियुक्ति की जाए। समझ में आ गई बात? क्लियर है पॉइंट? देखो भाई अब रिवीजन मारो फटाफट कि भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम द्वारा दो स्वतंत्र राष्ट्र हो गए, भारत पाकिस्तान, ब्रिटिश का कोई अधिकार नहीं होगा। संविधान सभा द्वारा संविधान का निर्माण किया जाएगा, है ना, इसका अधिकार दे दिया। किसी देश का संविधान अपनावे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो ये अधिकार है कि भाई कॉपी करे या अपनावे किसी भी देश का या अपना बनावे खुद का, तो ये स्वतंत्र है। फिर भारत सचिव के पद का समापन कर दिया, वॉइस रॉय के पद का समापन कर दिया, साथ ही गवर्नर जनरल पद का सर्जन यानी निर्माण कर दिया। अब गवर्नर जनरल हाई पोस्ट होगी स्वतंत्र राष्ट्र की, फ्रीडम ऑफ नेशन की, है ना, तो उसकी नियुक्ति ब्रिटिश क्राउन द्वारा की जाएगी, परंतु स्वतंत्र राष्ट्र के कैबिनेट की सलाह पर। क्लियर है? तो मैं इसे रफ करने जा रहा हूं और आगे के पॉइंट लिखेंगे। अब आगे के पॉइंट होंगे कुछ कि भाई नेक्स्ट पॉइंट इसमें क्या कहा गया कि जब तक स्वतंत्र राष्ट्र का संविधान निर्मित नहीं हो जाता तब तक इन स्वतंत्र राष्ट्रों का शासन संविधान सभा द्वारा इनकी भारत की होगी तो भारत की संविधान सभा, पाकिस्तान की होगी तो पाकिस्तान की संविधान सभा द्वारा भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत चलाया जाएगा। क्या कहा कि जब तक स्वतंत्र राष्ट्र का संविधान निर्मित नहीं हो जाता तब तक स्वतंत्र राष्ट्रों की
संविधान सभा द्वारा भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत शासन चलाया जाएगा, लेकिन स्वतंत्र राष्ट्र इसमें परिस्थिति के अनुसार संशोधन करने के पात्र होंगे। मतलब कि भाई भारत सरकार अधिनियम बनाया किसने था? भारत सरकार अधिनियम 1935 बनाया था ब्रिटेन वालों ने, परंतु इन्होंने कहा कि जब तक आप लोग अपने देश का संविधान निर्मित नहीं कर लेते तब तक आपके देश में भारत सरकार अधिनियम 1935 तक आपकी संविधान सभा द्वारा शासन किया जाएगा, है ना। एक तरफ वो संविधान का निर्माण करेगी और दूसरी तरफ शासन भी करेगी। साथ ही अगर परिस्थिति के अगर आपको लगे कि इसमें कुछ अमेंडमेंट किया जाना जरूरी है तो आप परिस्थिति के अनुसार भारत सरकार अधिनियम 1935 में अमेंडमेंट यानी संशोधन भी कर सकते हैं। इसके आप पात्र हैं, अधिकारी हैं। यह लाइन अच्छे से समझ में आ गई होगी, क्लियर है पक्का ना। ब्रिटेन वालों का अब इन स्वतंत्र राष्ट्रों पर कोई अधिकार नहीं होगा कि स्वतंत्र राष्ट्र संविधान निर्माण नहीं कर लेते तब तक 1935 भारत सरकार अधिनियम के अंतर्गत इनका शासन चलेगा, क्लियर। मैं उम्मीद कर रहा हूं, आशा कर रहा हूं कि आपको भली भांति अच्छे से समझ में आए होंगे कुछ टॉपिक्स, और आज की रिवीजन क्लास अच्छी खासी बड़ी होगी है और अच्छे से समझ भी पा रहे होंगे। बस थोड़ा सा काम रह गया, वो क्या है, जहां से क्वेश्चन बनने की पूर्णतः संभावना रहती है वो और समझा दूं, फिर उसके पश्चात लेक्चर का समापन करते हैं और फिर नेक्स्ट लेक्चर की प्लानिंग करेंगे, ठीक है। देखो भाई, कुछ पद बनाए गए थे, जैसे कि 1773 में गवर्नर, पहले क्या था, गवर्नर, फिर गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, फिर 1833 गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, फिर 1858 वायसराय ऑफ इंडिया, फिर 1947 गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। देखो भाई, कुछ पोस्टें हैं जो कि स्टार्ट हुई थी, है ना। इसमें बताया गया पहला गवर्नर आई, ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी तो गवर्नर, यानी कि 1773 से पहले क्या था, गवर्नर। 1773 से पहले क्या था, गवर्नर एक आम पोस्ट थी। फिर 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट आया, कौन सा एक्ट आया, रेगुलेटिंग। 1773 के अंतर्गत क्या हुआ, केंद्रीयकरण। केंद्रीयकरण के माध्यम से 1773 में एक नई पोस्ट का सृजन किया, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल किसका, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। और इसमें कौन था पहला, कि सर वॉरेन हेस्टिंग्स, वॉरेन हेस्टिंग्स पहले गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल थे। तो 1773 से पूर्व कौन थे, वॉरेन हेस्टिंग्स, तो अंतिम यानी लास्ट गवर्नर ऑफ बंगाल कौन हुआ, लास्ट गवर्नर ऑफ बंगाल, गवर्नर जनरल की बात नहीं कर रहा हूं मैं कर रहा हूं लास्ट गवर्नर ऑफ बंगाल। देखो लास्ट गवर्नर ऑफ बंगाल, है ना, लास्ट गवर्नर ऑफ बंगाल 1773 में वॉरेन हेस्टिंग्स। अब बात करी गवर्नर जनरल, यानी जनरल ऐड हो गया, तो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल पहला कौन है, वॉरेन हेस्टिंग्स, क्लियर पक्का ना, कि गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल वॉरेन हेस्टिंग्स। द्वितीय
कि सर अब 1833 चार्टर एक्ट 1833 के द्वारा क्या हुआ, अब ये तो बंगाल था, अब गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बना दिया, यानी कि बड़े स्तर पर केंद्रीयकरण कर दिया। गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कौन थे पहले, कि सर गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया पहले सर लॉर्ड विलियम बेंटिक, कि सर लॉर्ड विलियम बेंटिक पहले गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया थे। तो जाहिर सी बात है सवाल तो यहां से ही बनेगा कि सर लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कौन थे। तो जाहिर सी बात है 1833 में आए, तो 1833 में उस टाइम लॉर्ड विलियम बेंटिक थे, है ना। तो जब इस पोस्ट का सर्जन हुआ, कौन सी गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया और गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल पोस्ट का खात्मा हुआ, तब कौन थे, लॉर्ड विलियम बेंटिक। तो अंतिम गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कौन हो गए, लॉर्ड विलियम बेंटिक। समझ में आ गई होगी पक्का, ठीक है। फिर इंडियन गवर्नमेंट एक्ट, एक्ट 1858 में फिर आए, नई पोस्ट का सर्जन करवा दिया भाई हमने, नई पोस्ट का सर्जन करवा दिया। वॉइस रॉय ऑफ इंडिया, वॉइस रॉय ऑफ इंडिया कौन थे पहले, कि सर लॉर्ड कैनिंग, कि सर लॉर्ड कैनिंग पहले वॉइस रॉय कौन थे भारत के, कि सर लॉर्ड कैनिंग। तो जाहिर सी बात है 1858 में वॉइस रॉय पद का सर्जन हुआ, तो कौन से पद का खात्मा हुआ, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया का, सर गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया 1858 में समाप्त। तो पहल अंतिम लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कौन थे, लॉर्ड कैनिंग। अंतिम गवर्नर जनरल ऑफ भारत कौन थे, लॉर्ड कैनिंग। ये एक एक पॉइंट आपको अपने कंठस्थ करने होंगे, लिख लिख के, हाथों को दुख दो जितना दे सको, अंगुलियों को तोड़ दो लिख लिख के, उससे क्या होगा, याद हो जाएंगे, कंठस्थ हो जाएंगे, फिर आप एग्जाम में मार नहीं खाने के, ठीक है ना। अब भारत यानी इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 में क्या हुआ, कि भाई वॉइस रॉय पद का समापन करके फिर से स्वतंत्र राष्ट्र के लिए, हम स्वतंत्र राष्ट्र में, हम अपने भारत की बात कर रहे हैं, तो पहले गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया स्वतंत्र भारत के, स्वतंत्र भारत के, क्योंकि 1947 में भारत आजाद हो चुका, और तब 1947 में भारत आजाद हो गया, तब स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल, यानी कि इंडिपेंडेंस नहीं, हाँ इंडिपेंडेंस इंडिया, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, यानी कब के गवर्नर जनरल ऑफ, देखो पहले क्या बनाया, गवर्नर, फिर गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, फिर गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, फिर वॉइस रॉय, अब इन सब को खत्म करके गवर्नर जनरल बना दिया। अब भारत के हैं तो भारत के कहलाओगे, तो पहले कौन थे, सर लॉर्ड माउंट बेटन, सर लॉर्ड माउंट बेटन स्वतंत्र भारत के, स्वतंत्र भारत के, भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे, कि सर लॉर्ड माउंटबेटन पहले स्वतंत्र भारत के गवर्नर जनरल थे। तो जाहिर सी बात है, तो सवाल बनेगा स्वतंत्र भारत के दौरान, जब स्वतंत्र हुआ उससे पूर्व भारत के वॉइस रॉय कौन थे, वॉइस रॉय कौन थे, अंतिम यानी लास्ट वॉइस रॉय ऑफ इंडिया कौन थे, ये सर लॉर्ड माउंटबेटन अंतिम वॉइस रॉय ऑफ इंडिया कहलाए। क्लियर पक्का। अब सवाल बनेगा पहले स्वतंत्र भारत के, स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे,
तो सवाल बनेगा क्या कि पहले स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? तो क्या होगा? सिराज गोपालाचारी जी। सिराज गोपालाचारी जी पहले भारतीय थे जो स्वतंत्र भारत के गवर्नर जनरल थे। ठीक है, क्लियर है, समझ में आ रही इतनी सी बात? पक्का ना? देखो, मैंने कहा कि स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल ऑफ भारत कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन। तो जाहिर सी बात है, पहले गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया स्वतंत्र भारत के लॉर्ड माउंटबेटन, ऐसे ही पहले वो स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कौन थे? सिराज गोपालाचारी जी। ऐसे ही क्वेश्चन बनेगा, स्वतंत्र भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? स्वतंत्र भारत के अंतिम गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कौन थे? सिराज गोपालाचारी। और पहले भारतीय गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया स्वतंत्र भारत के सिराज गोपालाचारी, फिर अंतिम गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया स्वतंत्र भारत के ब्रिटिश कौन थे? अंग्रेज कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन। भाई स्वतंत्र भारत के अंग्रेज जाति के जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया थे, अंतिम भी और पहले भी, सर लॉर्ड माउंटबेटन। और भारत में भारतीय कौन थे पहले गवर्नर जनरल ऑफ भारत? स्वतंत्र भारत के सिराज गोपालाचारी। और स्वतंत्र भारत के अंतिम गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कौन थे? सिराज गोपालाचारी। क्लियर? आशा कर रहा हूं कि आपको यह लेक्चर भली भांति अच्छे समझ में आया होगा, और फिर भी कहीं समझ ना आए ना तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, इसका जल्दी से जल्द निराकरण करूंगा। मैं कोशिश करूंगा कि अनेकों प्रकार, मतलब कि ऐसे ऐसे टाइप से आपको बता सकूं जिससे कि आप इंटरेस्टिंग वे में इसको अच्छे से समझ पाए, पढ़ पाए, और इस तरीके से पढ़ पाए कि दूसरों को पढ़ा भी पाए, है ना? ऐसा मेरा प्रयास है। और अगर लेक्चर आपको अच्छा लग रहा है ना तो अपने दोस्तों तक ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक्स करें और कमेंट करें। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर के साथ। धन्यवाद।